बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारि राम कृष्ण गंगा मनुना विराधा आरोह्य मध्ये तु निमग्न नौका कृष्णो हि राधानुगलौ बभौ च गोवर्धनो वेति शतामभिष्टम् प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रजयति नवजूनो कंदमस्मिन् नमन्नम् इति किल कल्लार्थम् लब्धकस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धनम् मे। सब लोग बोले निज निकट निवासम् देहि गोवर्धनम् निज निकट निवासम् देहि गोवर्धनम्। ये गिरिराज गोवर्धन जी कृष्ण के नित्य परिकर हैं, गोलोक वैकुंठ ब्रज धाम से यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं कृष्ण की सेवा के। कृष्ण सेवार जन्न तिनेखने प्रसिद्ध जखन से बांधु रामेश्वर बांधा छिलो तखन हनुमान हिमालय छिके इन्हें के नियास छिले हिमालय से हनुमान जी ला रहे थे पुल बांधने के लिए। जब यहाँ पर लेकर के पहुंचे इतने में रामचंद्र जी ने खबर भेजा जो जहाँ तक पर्वत लाया है जेखने तक पर्वत आरण करे छे से वही खाने रखे थे। पुल बंद गया मैंने पुल बांधा हो गलो आठ दरकार में हनुमान जी ने यहाँ पर। और भी कथा है काशी में गंगा जी तो हैं किंतु रम्य भूमि रमणीय पर्वत और वृक्ष इत्यादि नहीं। जैसे मुक्ति बात शुष्क होता है शुष्क है मुक्ति और रकम वही धाम का है शुष्क। कैलाश में केवल बर्फ पड़ा है कोई पेड़ पौधे ये सब कुछ नहीं रसमयी भूमि है सब वहां पर बर्फ से और यहाँ पर कोई वृक्ष इत्यादि नहीं। वहां के ऋषियों ने सोचा जब यहाँ पर कोई पर्वत रमणीय वन उपवन रहता पुष्प यहाँ रहते वो तो बहुत ही सुंदर पुष्प रमणीय वन इत्यादि था तो ताले बेस भालो। कोई ऋषि पुलस्त ऋषि चले गए द्रोण के यहाँ बोले जब तुम अपना पुत्र दे दो हम ले जाएंगे। अच्छा अपना हमारा पुत्र तो बड़ा प्यारा है इसको कैसे दें नहीं देगा तो अभी संपाद दे देंगे ना दिला भी संपाद दे। अच्छा बाबा जैसे महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को विश्वामित्र के लिए दे दिया दिए दिए छे वही रकम दिए दी मंगली हो गए ताई कि दिए दे इसीलिए उन्होंने दे दिया। का जब मैं जाऊंगा तो ठीक है अमी जाबो किंतु अपवित्र अवस्था तमा के लिए जीते हे ना अपवित्र अवस्था से हमको मत ले जाना और यदि कहीं बीच में रख दिया तो हम उठेंगे नहीं तो ठीक हमको मंजूर है हमारा मंजूर है बस उठा करके ले चले। और यहाँ आए तो बड़ी जोर से पेशाब लग गया और अपवित्र अवस्था में तुमको रख नहीं सकते अपवित्र अवस्था तो रखते रहते ऐसा जोर से हुआ कि मालूम है जब कपड़े में हो जाए कहे गिरिराज जी आप यहीं पर थोड़ा सा ठहरिए मैं अभी अपवित्र अवस्था में तो आपको धारण करूंगा नहीं। गिरिराज गोवर्धन मुस्कुरा करके नीचे उतर गए। जब उनका वो हो गया स्नान स्नान करके फिर आए जखन स्नान करे प्रयास ले कहे अब हमारे उंगली पर उठ जाइए कहे अब तो मैं जाऊंगा नहीं भाई चाहे जो कुछ भी कर ली जाएगा नहीं तो नहीं इतना दूर से लाया तुम जाएगा नहीं
तो जाओ, यदि नहीं जाएगा तो अभी संपा देंगे, जो इच्छा हो तुम कर दो। अब इस स्थान से मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जाएगा तो एक एक क्षण तुम एक एक तिल घटता जाएगा, एक एक तिल तुम्हें क्षीण होगे यदि ना जाओ। एवं अस्तु, हमको मंजूर है, मरना मंजूर है, किंतु इस स्थान से जाना हम मंजूर। कृष्ण का भजन करेंगे तो जीवित रहेंगे, यदि भजन ही नहीं मारते जीवित रहने की जरूरत क्या। यदि अभी भजन ना करें तो ये जीवन की प्रयोजन आर एक हंते क्या मैं नोड़ बोला। बस ऋषि बड़े दुखी होकर के चले, तब से गिरिराज को बस दिखलाया जा रहा जी ऐसे अनेक तो नित्य काल से ही यहाँ है, नहीं तो कल आज यहाँ पर वो स्थान है, बड़ा रसमय स्थान है, गोविंद कुंड में ऋषियों का यज्ञ हो रहा था, ऋषिगण ने यज्ञ हो छिलो गोविंद कुंडे, आर गोपीरा सब दधी माखन दूध यही सब यज्ञर जन्न होम करवार जन्न आहुति दीवार जन्न घी इत्यादि सब माखन इत्यादि लिए जाच्छे, मक्खन लेकर के जा रही है। जब यहाँ पर इधर से इधर पार होकर के इधर आएंगी वही हो दान घाटी वही रास्ता टा होता है से काम में बंद आर वही सब बोलिए स्थान के एक जाए अथवा एक खान तक उठने जाए। दो पहाड़ों के बीच में जो सकरी रास्ता होता है उसको कहते हैं दान घाटी। अभी हम लोग दान घाटी वहाँ दे करके आए 15 रुपया दे करके तब इसमें प्रवेश किए, ऐसे नहीं आने देंगे यहाँ। तो कृष्ण यहाँ पर लठिया लेकर के खड़े हो गए, गोपियों से बोले अरे गोपियों तुम लोग ऐसे ही रोज रोज दही लेकर के और दूध लेकर के पार हो जाती है और कभी भी टैक्स नहीं देती, दान नहीं देती। कहे तेरे बाप का है जो हम दान दें, ये तो हमारा है, तुम्हारा तो बन है ही नहीं। कह नहीं ये बन मेरा है, मैं महाराज नंद का लड़का हूँ और ये राज्य हमारा है। गोपियों ने कहा जो तेरा कैसा है बतलाओ। ललिता जी बड़ी प्रचंडा है, उन्होंने कहा जिसे तुम बतलाओ प्रमाण दीजिए तुम्हारा है। उन्होंने कहा वृंदा हमारी औरत है, वृंदा हमारी पत्नी, अतः जखन विवाह होलो तखन वृंदा देवी ए राज्य टामा के दिए दिलन तहा राज्य तानी जेती कहे गलो दीते है ना। पत्नी जे राज्य की पत्नी कोनो संपत्ति पति निजे थी के भेज जाए, पत्नी की कोई भी संपत्ति पत्नी का हो जाए पति मालूम उसका हो जाता है, इसलिए मैं इसका राजा हूँ और मैं वृंदावनेश्वर हूँ। गोपियों ने कहा अच्छा उसे बुला लो। गोपियों उनको वृंदा देवी को बुलाओ, वृंदावन के डाका वृंदा देवी के डाका हो, वृंदा देवी के लेके नहीं आस लो गोपीगण, तुम शक्ति शक्ति बोलो एक काला संगे तुम्हार विवाह हुई छे की तुम्हारी शादी इस काले के साथ में तुम्हारा हुआ है कि या झूठ बोल रहा है। कजी इसको तो मैं पहचानती नहीं हूँ, इससे हमारा कभी कोई संबंध नहीं है इस काले से, ये तो जानती नहीं हो एक महाराजा का लड़का एक्टिंग महाराजा से परम सुंदर सब दिख दे खूब भालो किंतु ब्रजर एक्टी कोनो में के विवाह करते चाहे नहीं एक दिन आज पर्यंत तेरे विवाह है नहीं देखो ताले बुझो जो कतो गुनी छेले नहीं समझ में करें कि इतना बड़ा हो गया और बड़ा सुंदर देखने में और राजकुमार और इसकी कोई भी लड़की ब्रज की छोटी सी लड़की भी किशोरी इसे शादी नहीं करना चाहती इसलिए आज तक ये कुंवारा रह गया, तो कोई कारण जरूर इसमें रहना चाहिए, कोई जरूर कारण है। राधिका जी ने ये बात कही जिसकी शादी ही नहीं होती है कोई राजी ही नहीं है स्पेशल तो जरूर कुछ बात है, ये बहुत झूठा आदमी है और किसी से प्रेम नहीं करता है, ऊपर से सबसे दिखलाता है, इसलिए इसकी शादी ही नहीं है। और सत्य है ये कोई भी शादी इसे नहीं करे। और तब पूछो ये वृंदा जी ने कहा नहीं नहीं इससे हमारी कोई शादी की कोई बात ही नहीं कोई चली ही नहीं और हम यदि कोई बात भी चलती तो हम इसे शादी नहीं करे इससे हमारी कोई शादी नहीं। सब गोपियां मिल करके ताली बजा करके हंसने लगी, कितने बड़े लड़की थे कहीं नहीं नहीं फिर भी हमको देना पड़ेगा देखी कहे कैसे बस हड़िया लुटना और कर दिया
गोपियों ने भी उनको मक्खन थोड़ा सा दे करके और खिला करके यही दान घाटी के यहाँ पर लीला है। कृष्णचंद्र जी ऐसे ही कंदर प्रत्येक कंदरे कंदरे में सखाओं के साथ में सखियों के साथ में यहाँ पर विहार करते हैं, दही और मक्खन लूटते हैं और न जाने कैसी कैसी सब लीलाएं करते हैं। गायों को पानी पिलाते हैं मानसी गंगा में, गोविंद कुंड में, आराधा कुंड में, कुसुम सरोवर में, वो उधर में एक गैया सुरभि कुंड में पिलाते हैं, अपने पानी पीते हैं। अभी देखते हैं कोई पेड़ नहीं, आम का पेड़, केले के पेड़, कदम्ब के वृक्ष, ऐसा कोई पेड़ नहीं, ऐसा कोई फल नहीं, ऐसा कोई फूल नहीं जो इसमें गिरिराज गोवर्धन में नहीं होता। सुंदर सुंदर पुष्प उसमें होते थे और कुसुम सरोवर, उसका नाम ही है कुसुम सरोवर, सुंदर सुंदर वैजयंती माला गुजकर कृष्ण को गोपियां देती थी और कृष्ण अपने सखाओं के साथ में गुप्त करके राधा जी के लिए उनके गले में डाल देते। इसी तरह से यहाँ पर लीलाएं होती थी। भक्त लोगों ने देखा कृष्ण का लीला नहीं, अब उनको खोजने के लिए ये परिक्रमा करते हैं, मांगने के लिए कुछ नहीं, सोचते जा राधा और कृष्ण कहाँ के चंद्रे में होंगे और रोते रोते चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं उनको। ये गोवर्धन परिक्रमा का तात्पर्य है, ये नहीं कि गोवर्धन जी मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, हमारे 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती होंगे, इसके लिए नहीं, हमारे घर पर घर बन जाए, भोग संपत्ति हो जाए, धन हो जाए, स्त्री हमारी हमको प्यार नहीं करती है, हमको प्यार करने लग जाए, ये सब नहीं, बस एक प्रार्थना करना चाहिए गिरिराज के चरणों में, जो पहले तो अपने निकट में निवास दें और हमारी आकांक्षा पूर्ण करें, वो भक्ति के अतिरिक्त और कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी श्रेष्ठ उनकी आकांक्षा है भक्तों की, वो मैंने जैसा चाहिए भाव गिरिराज के चरणों में निवेदन कीजिए, ये हमारी ऐसी कामना है, वो हमारी कामना है। तब गोपियों की दासी के अतिरिक्त और कोई वर उनसे न मांगा जाए तो अच्छा है, इसके बाद में आप जैसे हम यही कह करके आप ध्यान से परिक्रमा करते हैं, हम लोग चलेंगे बहुत तेजी के साथ में, हम लोग चलेंगे हमारे बेस्ट भालो करे चलबो, एक जने जहाज देख चलते पार में ना तारा तांगा नहीं ले, एक खाने अनेक बेला हो गल एखन हमारे के पहुंचते हैं राधा कुंड समीपे वही खाने हमारे प्रसाद इत्यादि कर, एक जने अपना सबसे बहुत प्रमाण Yeah।
আমরা এখন আনোরেতে এসেছি, আনোর গ্রাম। কৃষ্ণিলাস ওইখানে থাক, এই গ্রামেতে যখন কৃষ্ণ ছোট ছিলেন, যখন কৃষ্ণ ছোটে থে বচ্চে, তো একদিন ঘর মে পকওয়ান বন রা থা। পকওয়ান বনছে মানে কি? পুরি পকওয়ান এসব বন রা। কি হচ্ছিল বাড়িতে? যশোদা মা রান্না করছে, আর ছক 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 তখন কৃষ্ণ মায়ের কাছে কৃষ্ণ কি মহিলাকে পাশ মে চলে গে, কৃষ্ণ মায়ের কাছে গিয়ে আর তাহার পড়েতে বসবেন, আর তার এই ঘর ঘরে বলছে, মা আজকে তুমি কি করছ? এত সুন্দর সুন্দর পকওয়ান, খাবার দাবার এইসবগুলি হচ্ছে, এটা কার জন্য হচ্ছে? আমার কি বর্ষগাঁঠ আছে নাকি? আমারই কে বর্ষগাঁঠ হে যে বনা রই হে মাইয়া, তো কুছ হমকো ভি দে দে। যশোদা মা জি থোড়া সা রুষ্ট হো গই, তো তুম যাও খেলো উঠার, আপনি গদি সে লেকর কে উনকো হটা দিয়া, যে বার বার বাধা দেতা হে, বার বার বিঘ্ন ডালছে। তব কৃষ্ণ কে আঁখো মে আঁসু ছলক আয়ে, কৃষ্ণ চোখে তে জল একটু এসে গা। বাবা পাশে বাইরে বসে ছিল, বাবা কে পাশ গে, ও নন্দ বাবা কে পাশ, আর বড়ে প্রেম সে উনকি গোদি মে ব্যাঠ করকে বলনে লেগে, তার কোলে তে বসে প্রীতি সঙ্গে তাহার দাড়ি ধরে বলছেন, বাবা আজকে মা কি করছে? আজ अम्मा जी माता जी क्या कर रही है? आज तो हमसे बोलना भी नहीं चाहती है, और हमको दुत्कार दिया और यहाँ पर आपके पास में आया, आज क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, जी तुम जानता नहीं है, हमारे परिवार में परंपरा से परंपरा धरे कहने को तो बसत धरे हमारे यही रीति नीति चले आज से, यही था हमारा इंद्रदेवेर যজ্ঞ করি। আজকে আমাদের ইন্দ্রদেবের যজ্ঞের দিন, আজকে এই পুরী মালপুয়া কচৌড়ি নিয়ে ঘরে ঘরেতে ইন্দ্র যাগ হবে, ইন্দ্র কি পূজা হবে, আর উসকে বাদ মে উনকা জো প্রসাদ হোগা সব লোক মিল করকে। ও যে পিতাজি, ইয়ে ইন্দ্র কা যজ্ঞ কেউ? ইন্দ্র যজ্ঞ কেন হচ্ছে? ইনি বলেন, সে ইন্দ্র মাদের বর্ষা দেয়, আর বর্ষার দ্বারা ফসল হয়, গম ছোলা মটর মসুর ধান এইসব হয়, গাছেতে ফল হয়, সরোবরেতে জল হয়, জল না থেকে আমরা, জল হচ্ছে জীবন, জল না পেলে গেলে আমরা মারা যাই, আর ফল মূল কন্দ আর অন্ন না থাকলে আমরা না খেলে, আর ঘাস না থাকলে গরুরা থাক খাবে না, তাহলে দুধ কিরকম হবে? অতএব ব্রজের জীবনই হচ্ছে কি, জগতের জীবন হচ্ছে জল, আর জলদাতা হচ্ছেন ইন্দ্র, এই জন্য আমরা ইন্দ্রী যজ্ঞ করছি, ইসলি হাম লোক ইন্দ্র কি পূজা কর রহে। মুঝে যহাঁ পর গোবর্ধন কি পূজা নেই হতি, যহাঁ পর ইন্দ্র কি পূজা নেই হতি, যেখানে ইন্দ্রের পূজা হয় না সেখানে কি বর্ষা হয় না? সেখানে কি ধান গম চাউল অন্ন ইত্যাদি ফল ফুল হয় না? সেখানে কি গাভী থাকে না? ইন্দ্রের ইটা কার্য নয়, আমাদের গোবর্ধন যদি না থাকেন তাহলে জল পাওয়া যাবে না। এই মেঘকে গিরিরাজ গোবর্ধন ধারণ করেন, আর তার সঙ্গে দ্রবিত হয়ে মেঘ জল বর্ষা। এখানে বন জঙ্গলেতে ফুল ফল কন্দ মূল ফল এইসবগুলি হয়, আর ফসল হয়। আমাদের গোয়ের গাভীর হচ্ছে জীবন স্বরূপ গোবর্ধন, গো বর্ধন, গো মানে গোপ, গো মানে গোপী, গোপ গো মানে গাভী, গো মানে গোবৎস, গো মানে গো পাল পালগণ, আর গো মানে ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বচা আর
बात पानी पात पाई उपस्थ समाधे समस्त ज्ञान इंद्रिय। गो माने ज्ञान, गो माने वेद, बहु अर्थ है। सकल के वर्धन करें, विशेष करे गो गोपी गाभी सबके जिन्हें वर्धित करें तादर के जीवित रखने जिन तार नाम हे गोवर्धन। हमारा सकल मिले आज के गोवर्धन पूजा कर ले भालो तई हम तुम्हें जा बोल छोटू बच्चा किन्तु तुम्हार बुद्धि तो खूब तीव्र। अच्छा बस तीन ढोल बाजिए दिले समस्त ब्रजे थे नगारा बजवा दिया और घोषणा कर दी आज हम लोग जाएंगे गिरिराज गोवर्धन में और सभी लोग अपने घर में बनाए हुए पूरे पकवान रबड़ी मलाई खीर दूध सब लेकर के जाएंगे और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। सकली नहीं है गोरु थे गोरु गाड़ी थे छाकड़ा माने गोरु गाड़ी आर ऐ सब बोली के जिनिस पत्र रेखे सब ब्रजवासी रा 84 क्रोस ब्रजमंडल मध्य जो तो आज सब लोग एखाने से उपस्थित हैं। 14 माइल के बारे भर्ती होए गेलो सब चार दिख दिए गोप गोपी द्वारा आर सकली थाल लागिए दिलो एखाने तो बिराट चारिदिके जायगा होए गेलो पुरी पहाड़ हो गल मालपुआर पहाड़ हो गल अन्न ढेरी हो गल पर्वत ए रकम हाथ पुआ पकवान सब कुछ हो गल परे कृष्ण गिरिराज गोवर्धन का दाड़िए छोटू बच्चा बोलिए प्रभु आपने आज के ब्रजवासी कर निकट से साक्षात रूप धारण कर दिया अपने प्रसाद पांताले बुझ वजह से आपने गिरिराज तखन एक निजे छिके एक रूप धारण करेंगे एक आराधक है गलो एक जन आराध एक भक्त बन गए दूसरे भगवान बन गए तखन गिरिराज रूपे थे विराट आकार धारण करे थे आप वही खाने ऊपर से देखें मंदिर वही खाने दाड़िए और एक एक माइल दो दो माइल दस दस माइल लंबा हाथ कर दिले हाथ लंबा कर दिए आ कृष्ण जखन भोग दिले एतत नैवेद्यम ओम गिरिराजाय नमः बोलवार संगे संगे आबार दुई हाथेते घर एकबार खेले एक मिनटर मध्ये जा किछु ओखाने छिलो सब किछुके खेले आर खे एइखाने पाशे गोविंद कुंड आछे भर्ति जल जब जल पान कर लिले ताते ना होलो ताले मानसी गंगार जल तिनि सब फिरि पान करले बोले जे आरो निये एसो आरो निये एसो आनोरे आनोरे ऐसा होते ब्रज भाषा आनोरा माने और ले आओ और मुझे भूख लगी है भूख मेरी कुछ भी कम नहीं हुई पेट अभी भरा नहीं हो तो दांत के नीचे एक में चला गया एक चीज दांते बलाते जा दिए छे सब चले गए थे और मांगने लगे। कृष्ण ने हाथ जोड़ करके कहा हम लोग गरीब ब्रजवासी हैं हमारा गरीब ब्रजवासी আমাদের যা ছিল আপনার চরণে আমরা উপস্থিত করেছি আর আমাদের কিছু নাই আপনি এইটাই সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন গিরিরাজ একটু জল খেয়ে দেখার মারলেন দেখার দিয়া আর ইসকে বাদ মে জব দেখা গিয়া তো জিতনা জো থা দ্রব্য সব কা জ্যাসা কা তেসা অর ভি পট গিয়া আর সব যা ছিল সব গুলি পূর্ণ হয়ে গেল। তখন ব্রজবাসীরা খুব আনন্দিত কৃষ্ণ বললেন যে দেখো তো আজ পর্যন্ত ইন্দ্র কি এখানে কোনদিন প্রকটিত হয়ে খেয়েছিল কি খায় নাই অত সেটি অলক্ষিত ভাবে পেশা পুরি আছে অত যদি কেউ দেবতাও থাকে তাহলে গিরিরাজ গোবর্ধনের সেবক হতে পারে গিরিরাজি ব্রজের রাজা আমরা তাহার প্রজা অতএব আজ কি আমাদের যজ্ঞ সফল হলো তোমাদের যা ইচ্ছা এনার কাছে বর মাঙো সকলে কি বর মাঙলো আমার কৃষ্ণ ভালো থাকে যত লোক ওখানে ছিল যত ব্রজের গোপ গোপীগণ সকলি গিরিরাজ গোবর্ধন কাছে মঙ্গল যে আমাদের আর কিছু চাই নাই আমাদের এই যে ছোট্ট থেকে যে কানাই লালা এইটি ভালো থাকুক এর কোন বিঘ্ন বাধা না হোক এইটা আপনি বর দেন। তারপরে সকলি খুব খেলো আর খাওয়া দাওয়া করে দিয়ে আর কীর্তন করতে 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 গিরিরাজের গোবর্ধন এখান থেকে পরিক্রমা করলো নন্দ বাবা যশোদা আর সব বৃদ্ধগণ গরু গাড়িতে বসলো ছোট ছোট বাচ্চারা মালপুয়া খেতে খেতে পরিক্রমা করতে লাগলো এখানে জুতো ফুটোর কোনো প্রয়োজন নাই
वैराग्य त्यागर एखने को स्थान नहीं पर तारा खेते खेते परिक्रमा करते लगलो और गरुबुड़ी के आगे रेखे दिल लक्ष लक्ष गरुबुड़ी आगे चलते लगलो और वही धूलाते धूसरित हुए सब लोग गिरिराज गोवर्धन जय कार करते करते परिक्रमा करते लगा बोलो गिरिराज। इसके बाद में परिक्रमा हो गई, घर में सब लोग चले गए आनंद से और दिन रात यही चिंता होते रही। इतने में इंद्र को पता लगा कि हमारी पूजा नहीं की, बस बिगड़ गए और 49 प्रकार के पवनों से लेकर के मूसलाधार पानी, मूसलाधार माने बस मोटो मोटो धारा, हाथी के सुन के समान धारा से एकदम वर्षा करने लगे और प्रलय के समान थोड़े देर में ही एकदम ब्रज को डुबा दिया। आजकल अभी शीत नहीं पड़ी, ठंड नहीं पड़ा, एखन अभी ठंड पड़े नहीं, अन्य बसर से खूब ठंड पड़े जो तो यही समय से एक गिरिराज पूजा कैक दिन पर ही हो तक बड़े बड़े दू दू तीन तीन टी लेप लागत यही ए बसर को सब सीजन चेंज हो जाए। वही समय से वर्षा और प्रचुर वर्षा सब डूबे गल और ब्रजर लोग सब मरते लागल, गरुगुली के थकवार स्थान नहीं। तखन ओरा ऐसे कृष्ण शरणागत हुआ थे, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के धारण करें आ तहार ओ जे गर्त तार मध्य समस्त असंख्य ब्रजवासी गोपीगण और भीतर से प्रवेश करलो। गुरु गोविंद समय गोपीराज निजे नजर उपरे थे, दृष्टि उपरे थे गिरिराज गोवर्धन के टेंगे रेखे दिल, गिरिराज यदि तुम पड़े जाओ नीचे तार तुम्हें भस्मीभूत कर दिव। आर छेलेरा की करलो जे कृष्ण कोनो उपरे थे भार ना हो एक जन तारा लाठी निये एक रकम आठ एक लागे ये हमारा धर्म कृष्ण तुम्हें कोनो चिंता करो ना, तुम शुद्ध हाथे ते छुए रखो बाकी तो हमारा सब धारण कर एक प्रकार से तारा धारण कर लो। इंद्र 7 दिन पर्यंत वर्षा न कतो दिन कर ले 7 दिन किछ ही होलो ना, वज्र द्वारा आघात कर लें। गिरिराज मन हो हमार चूल कानी एक किछ ही तार हो बड़ो आनंद जे आज के कृष्ण हमारा उंगली ते आछे, हमारे उंगली पर वो खड़े हैं गिरिराज गोवर्धन, आज आनंद का उनका कोई ठिकाना नहीं, आज हमारा जीवन सफल हो गया। कृष्ण की उस सेवा करने के कारण गिरिराज ये भगवान भी बन गए हैं, तो भक्त किंतु जैसे हरि और हर एक हो जाते हैं मिलकर के, एक नहीं प्रिय के अर्थ में एक, उसी प्रकार से गिरिराज गोवर्धन कभी लोगों ने कहा जो यही भगवान है, ठीक है भगवान जो नहीं देंगे गिरिराज गोवर्धन जी दे क्या दे सकते हैं, गिरिराज जी जो कुछ मांगो वही दे देंगे। इसलिए यशोदा मैया को नंद बाबा को भी कुछ मांगना होता है, कुछ यदि कुछ मांगवा रो थके ताले गिरिराज गोवर्धन ने परिक्रमा दिए तार काछे प्रार्थना करे देने पूरा कर हमरा आर कहारो पूजा करी न और किसी का आश्रय हम नहीं लेते, बस यदि कोई जरूरत है तो गिरिराज जी से कहते हैं संसार फुकार काने ना पोसी दे देह रोग दूर दब। संसार का जितना हमारा रोग है भव रोग सब रोग जरा दूर रहे और संसार के झगड़े की बातें दुख की बातें, आज हमारा पति मर गया, आज उसको टीबी हो गया, आज उसको कैंसर हो गया, उसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया, उसकी लड़की घर से निकल गई, उसका लड़का बड़ा अबाध्य हो गया, आज हमारा घर गिर गया और तरह तरह की बातें हैं। हे गिरिराज गोवर्धन जी हमारे कान में आए, हमारा चित्त चंचल नहीं हो, निश्चल चित्त से आपके कृष्ण चंद्र जी का राधा जी के चरणों का हम लोग भजन कर सकते, ऐसी सब प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में इंद्र जी देखा जे कुछ नहीं हुआ तो झट वहाँ पर सुरभि जी को लेकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगा और फिर उनका अभिषेक किया, वही गोविंद कुंड है। हम संक्षेप में ही केवल बतला रहे हैं, बहुत दूर चलना है और जल्दी जल्दी चलने की चेष्टा आप लोग करेंगे, 11 बजे के पहले ही हम लोगों को राधा कुंड के समीप पहुँचना है, तो इसलिए वहाँ पर क्षमा मंगाया। भगवान ने क्षमा तो कर दिया किंतु अंदर से नहीं हुआ क्षमा। इंद्र को अभिमान था, मैं देवताओं का राजा हूँ, विश्व का पालन करने वाला हूँ, कृष्ण को भूल गए, बस कृष्ण ने उनको दंड दिया और उनकी पूजा को छोड़ा दिया। गोविंद का
पहले बड़ा मनोरम गिरते था, यही पर हमारे राघव पंडित भजन करते थे। Taking bath at Manasi Ganga, the town of Govardhan. I'm going to go to the hospital.
Going towards Christmas River. Thank you.
Jejapan and Jan Karan. रक्षा करेगा ऐसा कह करके वो सब सारा खेलते लग गए। खेलते खेलते हठात करे कौन से पोठी पाठी मान कौन से तहके पाठी छे एमन एक असु से तार नाम छिलो ब्यमासु व्यवसने जोग माया तारा जान जोग सबनी जानते आ तारा जोग प्रभावे थे छोटो बड़ो हो जित रूप पालते लित कत रकम तारा की करते এখন সেটি একটা সুন্দর কিশোর গোপ বালক বনে গেল আর বলে কৃষ্ণের নিকটে আসবে। কৃষ্ণ তাহাকে একবারতে অঙ্কেতে ধরেছেন বুকেতে লাগিয়ে নিয়েছেন উনকো পকড় করকে গলে সে লাগা প্যারে সখা তুম ইতনে দিন তক কহাঁ থা মে তো তেরে লিয়ে খোঁজ রহা থা যে তুম হমারে সাথ হি তুম রহো আমি তোমার জন্য আমি প্রতীক্ষা করতেছিলাম তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারছিলাম না ও তুমি আমার উপরে কৃপা করে তুমি এসেছ আর তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন ছাড়ব না। সে বলছে আজকে বেশ সুযোগ হয়েছে আর আমরা কি চিন্তা পারে না আমার উপরে তো খুব তাহার বিশ্বাস হয়ে গেছে এখন আমার কাজ হয়ে যাবে। তখন কৃষ্ণ বললেন বলদেব প্রভুকে যে আপনি একদিকে আমি একদিকে আমার সখা থাকবে আমার দিকে এরকম করে দিয়ে খেলাধুলা হতে লাগলো বেশ খেলা জমে উঠেছে। এখন এই বনেছে চোর আর ছেলেরা বনেছে মো ভেড় বন গে আর খেলতে 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 জিনকি হার হো জাতি উনকো কুছ আপনে কন্ধে মে বিঠা করকে চলনা হোতা ইয়া কোই অর কুছ পন দেনা হোতা আর ও ক্যা করতা সেটি কি করে ওই এক একটি ছেলেগণকে নিয়ে আর ওই যে গুফা দেখা যাচ্ছে ওই গুফাকে নিয়ে বন্ধ করে দেয়। বাহ, যখনই কেউ হারলো কি জিতে যায় গুফা দেখ রে ওই কিসনে ছোট বাচ্চে বাবু তখন বিরাট বোধা ছিল ভিতরে আছে নাকি কি ভিতরে আছে না ভিতরে অনেক রাস্তা দু চার হাজার লোক ওর মধ্যে ভিতরে রেখে দিতে পারা যায় কম দ্বারা। হ্যাঁ, ওসমে আদমি চলে যায়। अरे ऐसी ऐसी कंदराएं वो पहाड़ों में है सुनते हैं गोवर्धन से लेकर के भरतपुर या नाथद्वार तक वो भीतरी भीतर चला गया अंडरग्राउंड में ऐसी गुफाएं हैं जैसे लाखों आदमी उसमें कहा जाने कहाँ चले तो इसमें लेकर के समस्त अधिकांश सखाओं को लेकर के बंद कर दिया। कृष्ण ने कहा जी हमारे सखालों को मैं देख नहीं रहा कहाँ गए खेलते खेलते। बलदेव जी के तरफ में इशारा किया। बलदेव जी ने कहा ये आप साधारण ये है वो कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस
इस पर निगरानी रखो। जैसे जैसे कृष्ण ने देखा अब सावधानी के साथ में, सावधानी संग में देख रहे हैं, से एक कछले देखे धरे आने जो कम दराते चलेगा, कृष्ण देखा जैसे वही कम दराते चलिए जाए तखन बोलिए अच्छा ठीक है चले गलो। तापर जो फिरत आसलो तक चक करे कृष्ण ताके धरे धरवार संगे संगे विकराल रूप धारण करे विशाल रूप। तक बलदेव देखल जैसे मारले पृथ्वी कम्पायमान हो जाए, लेकिन ओखान एक पहाड़ आ पहाड़े ऊपर पाए धरे एम भवते दाबिए दिल उन्ना चरण चिन्ह ओखान आज। तक कृष्ण ताके धरे और ताके फेले दिए तार गलाटा टीपे दिए ताके मेरे फेले और वही कंदरा रूपये जो विराट पाथर छो ताके उठिए दिल और से तार मध्य सखागण के फेरा बार दिए। सखागण अत दुर्बल जो कृष्ण संगे युद्ध करते तारा खूब बलमान और असुर संगे युद्ध करते पारे ना और कृष्ण का हारिए हुए क्यों क्यों ये जोग माया का प्रभाव। अपना बलाबल नहीं जानते जैसे हनुमान अपना बल नहीं जानते। हनुमान जी जब बोल जाने ना कोई को मेरा जाने जोग माया प्रभावित के तार निजे शक्ति सामर्थ्य सब गुली के तारा भूले क्या कृष्ण ने तो लीलाई हो गई वही सखाई चाहिए था कि मेरे फेल तो তাহলে আর লীলা হতো না। এই জন্য লীলার জন্য তারা এইসব শক্তি প্রভাব এইসব কিছু বিস্তার করে না। তারপরে কৃষ্ণ নিয়ে এইরকম করতে করতে প্রায় দু ঘর করে তখন তাদের খুব খিদা লেগেছে। তখন আমরা যাচ্ছি সেখানে ভোজন থালি ওইখানে তারা খাবে, ওইখানে পর্বত পাহাড় একটু কিছু কিছু ছোট আছে উসমে উনোনে থালা জেসা কল্পনা করকে উসিকে উপর মে আপনা রখ করকে মৈয়া নে জো কুছ ভেজা হ্যায় রোটি अथवा जो कुछ मिश्री मक्खन या जो कुछ भी भेजा बस वहीं पर रख करके खेती का आचार और रख करके सब खान ले। और वहीं पर एक आसन भी है जिस पर कृष्ण को राजा बना करके बैठा दिया और कृष्ण उस बड़े आनंद के साथ में बैठ करके तरह तरह की लीलाएं करने लगे। हम लोग भी उसी लीला स्थल में जाएंगे आप लीलाओं का स्मरण कर गौ प्रमाण। और आकर के फिर सभी लोग लूट लाट करके सब खाया करते। अच्छा। और ये कृष्ण का सिंहासन है उधर में और चारों तरफ में खाली कटोरी चारों तरफ में बनी हुई है, जहाँ जो पाता वहीं पर खा लेता। अभी हम लोग लेकर के ले लेंगे तब फिर एक बार उसकी धूली सी पर सब लोग लेंगे। प्रथम जल तक कुछ है হরে কৃষ্ণ Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 H
दूध कटोरी दादी सब ले करके आ जाओ। कुछ लोग कहते हैं कतबली लोग बोलें प्राचीन नये शंका उन लोगों को शंका होती है कि किसी ने पीछे से इसको खोद करके बना दिया। ऐसा मत समझना, क्यों? इसके बहुत से कारण हैं, बहुत से प्रमाण हैं। क्या आज से 5000 वर्ष या और कितना वर्ष, 1000 वर्ष पहले पुराण लिखा गया है, और प्रत्येक पुराणों में ही कृष्ण की लीलाओं के संबंध में, गर्ग संहिता में ये सब का उल्लेख है, भोजन थाली का, और उसमें भोजन की थाली हुआ है और सखाओं लोगों के साथ में खाया करते। शंकराचार्य जी आए, उसके बाद में मध्वाचार्य, रामानुज भी आचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य भी आज से कितना कितने 100 वर्ष पहले आए, 600-700 वर्ष, 600 वर्ष। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और आकर के इनका दर्शन किया और यहाँ की धूली लिया और नित्य कीर्तन करते थे, प्रेम में आविष्ट हो जाते थे। जब हम लोग एक बार पहले आए, इसका पानी इतना सुंदर स्वच्छ था और सिंघाड़ा इसमें पानी फल एकदम इतना सुंदर, सब लोग खाने लग गए उसमें लेकर के, और वो आदमी आया लठिया लेकर के। फिर हमने कहा जब पैसा ले लो भाई, यहाँ पर मूली इत्यादि होता था, हमने सोचा कि मूली है तो आप लोगों को मूली खिला दे। तो मूली काजी ने कहा तो कौन है तो 2-4 किलो ले आना पैसा देकर। इसके बाद में यहाँ पर कृष्ण की सब लीलाएं हो आकृति थी, वो अरे 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 এইখানে কৃষ্ণের কত রকমের যে লীলা হতো তাহার ইয়ত্তা নাই। এইখানে যশোদা মায়ের পিহত, পিহর মানে ক্যা বাপের বাড়ি, যশোদা মামা বাড়ি, কৃষ্ণের মামা বাড়ি এইখানে। আর এইখানে পাণ্ডবের স্থান আমরা যাবো, ওখানে দেখাবো। এখানে দুর্যোধনকে গন্ধর্বরা পরাস্ত করেছিল, এইখানে দুর্বাসা ঋষি তিনি এসেছিলেন পাণ্ডবগণ কাছে, পাণ্ডব কি হ্যাঁ আয় থে 60,000 শিষ্যও কো লেকর কে যে যুধিষ্ঠির ইত্যাদি কো হম অভি সম্পাদ দে দেঙ্গে, কিন্তু ইহি পর উনকা মান মর্দন হো গয়া, ইহাঁ সে ভাগ গয়ে। কৃষ্ণ নে থোড়া সা খা লিয়া, সাত অকাদে তৃপ্ত স্মিত্র পেট ফুল গয়া, বস ভাগ গয়ে। ইহাঁ পর পাণ্ডব লোক বহু দিনো তক গুপ্তবাস কিয়া, ইহাঁ পর কামেশ্বর মহাদেব সমস্ত প্রকার কি কামনা পূর্ণ করতে হ্যাঁ। यहाँ पर कितने सैकड़ों कुंड हैं, लुकलुकी कुंड, जहाँ पर कि बच्चे सब डूब करके और खेल में फिर ऊपर जाते थे। श्रीमती राधिका जी एक किनारे में खड़ी रहती और सखा लोग एक तरफ में स्नान कर रहे हैं, वो भी 1 मील 2 मील लंबा
ऐसा यहाँ पर पोखर भी है, एक मिल तो नहीं किंतु थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बस कृष्ण वहीं से डूब करके घड़ियाल बनकर मगर बनकर के उस पार निकल जाते और उनका पैर पकड़ लेते, कहिए क्या पकड़ लिया, और इतने में छोड़ करके फिर जहाँ रहते थे वहाँ चले जाते। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती काशी ने भजन किया था, उनकी निष्ठा कैसी है, हमारे पास में पैसा नहीं वृंदावन कैसे जाएं, घर बेच देंगे, घर नहीं है तो लड़की है तो उसको भी बेच देंगे किंतु वृंदावन जाएंगे, अभी लड़की भी बेचने के लिए नहीं है, कोई नहीं लेगा तो क्या करेंगे, बीच बाजार में उसको खड़ा कर देंगे, अभी हम वृंदावन जरूर जाएंगे, अर्थात मान सम्मान सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में हमको जाकर के भजन करना है। तो यहाँ पर बहुत दिनों तक उन्होंने भजन किया था, यहाँ पर 84 कुंडी या कितने हैं, नंद का भवन जिसमें 84 खंभे हैं, इधर से गिनो तो कोई बढ़ जाएगा, इधर से गिनो तो कम जाएगा, वो पूरा ठीक ठीक आता नहीं है। यहाँ पर यक्ष और अर्जुन उनका पांडवों का दुर्गेश महाराज का संवाद हुआ था, किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है, वहाँ पर हम सब सुनाएंगे, ऐसी ऐसी सब लीला स्थली है कृष्ण की, यहाँ पर सब सुंदर रूप से ये सब हुआ, हम लोग लीला स्थली को प्रणाम करके और सब पर आगे चलते हैं। लगाया, लगा करके दबा दिया जिसे कि कुछ भी अच्छा नहीं, तब उसको उठा कर यहाँ पर सब बच्चे लोग, बच्चे लोग खेल कूद करने के लिए यहाँ जाते, अपनी गैया बछड़ों को सब छोड़ देते यहाँ पर पर्वत पर, और ये चरने लगते। उस समय में यहाँ पर सुंदर सुंदर घास थी, सुंदर सुंदर तालाब से सरोवर थे, छोड़ दिया ऊपर चरने लगे, और तब कृष्ण यहीं पर ऊपर से पिछलते थे, सब बच्चे लोग पिछलते थे, बड़ा उनको आनंद आता। इसके नाम पिछल पहाड़ी हो गया, ये भी उसी समय की है। ये हम एक बार गए थे गुरु जी के साथ में, मुझे याद नहीं आ रहा, एक पहाड़ पर हम चले गए, शायद यही पहाड़ी आपको किरण का चिन्ह, गौओं के बछड़े के चिन्ह, गौओं के चरण चिन्ह, हजारों हजार एक दो नहीं, ऐसा बजाया बंसी, सब पहाड़ का पहाड़ पूरा कर गया, और उस पर जितने गौए बछड़े जो कुछ थे और सखा के चिन्ह सब, अब उसके बाद में हमने कभी देखा ही नहीं, कहा नहीं, तो याद ही नहीं, ये कौन कौन सा पर्वत, किंतु कामे वन में है, कामे वन कर प्रभु प्रभु आप ही
और अपना पानी पीते थे और इसी में उधर में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक बद्रीनारायण और इधर में है केदारनाथ, केदारनाथ जैसा ही चढ़ाई और जैसा बद्रीनारायण का है वैसा ही। हम लोग अपनी परिक्रमा के बाद में एक दिन जाएंगे केदार और बद्री में जाएंगे, दो चार डुबले उपाय डुबले नहीं पड़े ना माया, जो उधर का जो पेड़ का है ना और वही वाला, हाँ पहले पानी भरा रहता था पानी, ये सब कृष्ण का गो चारण का स्थान है, बासी में जो सोदा जी का एक कुंड আগে একটা কুণ্ড হয়েছে না ওইটা কি বললো বদ্রীনাথ, এইটা হচ্ছে কেদারনাথ, আক্রমণ করে সমস্ত মন্দিরগুলি ভেঙে
विशेष करके जयपुर नरेश ने जो भी मंदिर बनाया है उस मंदिरों को तोड़ फोड़ देंगे और विग्रह को भी तोड़ देंगे। इसलिए औरंगजेब बड़ा धर्मांध था, हिंदुओं को भी जबरदस्ती मुसलमान बनाए। कृष्ण की जन्मस्थली का मंदिर तोड़वा करके उसे मस्जिद बनवाया, वृंदा देवी वृंदावन में गोविंद देवी का मंदिर तोड़वा करके वहां पर भी मस्जिद बनवाया। उसी ने हरदेव का मंदिर ऊपर का चूल्हा तोड़वा दिया। इसी तरह से वृंदावन को नष्ट भ्रष्ट करने पर तुला हुआ था। इसका कारण यह था, जयपुर के नरेश अकबर को अपनी बहन की शादी दी थी, इससे समस्त राजपूत उनके विरोधी हो गए। सब राजपूत का विरोधी हो गए। महाराणा प्रताप इत्यादि अपने पंक्ति से उसको हटा दिया, एक लाइन में नहीं खिलाया, इसलिए और वो क्रोधित हो गया और अकबर का साथ देकर के अपनी बहन क्या क्या बाई नाम था उसका शादी उससे करा दिया। एक तरह से मुसलमान बन गया। फिर उसका पुत्र जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां हुआ। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ गया। इसके बाद में शिवाजी को कैद कर लिया और दिल्ली के जेलखाने में भर दिया। तो शिवाजी और यहाँ का नरेश जयसिंह या मानसिंह वो उनके मित्र थे। उन्होंने कि हिंदुओं के ऊपर में कितना अत्याचार ये औरंगजेब करता है और हमको जेल में बंद कर दिया, आप कुछ नहीं कर रहे, इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए। यदि जेलखाने से कितने तरह से निकल जाऊं तो हम इसे दिखला देंगे, इसका राज्य भ्रष्ट करके और यहाँ से हम लोग भगा देंगे, इसलिए मेरी सहायता कीजिए। नहीं, क्या सहायता करूं, मैं जेलखाने में बंद हूं और द्वादशी को मैं सब लोगों को अपने जन्म दिवस में आ रहा है द्वादशी को, इसलिए अपने द्वादशी के दिन में मैं अपना जन्म दिवस मनाऊंगा। मेरे लिए बड़ी सी टोकरी में बताशा भरवा करके भेज दिए जैसे मैं सबको बांटूंगा, बताशा से ऐसा इजाजत ले ली। उन्होंने उनका मित्र था जयपुर का नरेश, बस उससे आदेश ले लिया और आदेश लेने के बाद में मिठाई भर करके भेज दिया। शिवाजी उसी टोकरी में बताशा हटा करके उसी में बैठ गए और ऊपर से ढकवा दिया कपड़े से और जेलखाने से निकल करके चले आए। निकल करके भाग करके जब एक दिन रात हो गया जंगलों के रास्ते से और एकदम किधर से किधर निकल गए, वेश बदल लिया और उसके हाथ से निकल गए, हाथ से चिड़िया निकल करके जैसे उड़ जाती है ऐसे उड़ गए। और औरंगजेब ने कहा, शिवाजी सुरक्षित जेल में है तो? उसके सीआईडी ने कहा, तो कभी कल ही निकल करके भग गया काल ने कहा, कैसे भागा? उसी मिठाई के टोकरी में। ओ तो ये जयपुर नरेश का इसमें कुछ चक्रांत है, षड्यंत्र है, उसे पकड़ लो। वो पहले ही उसके पहले निकल गए और वृंदावन में जितने मंदिर में उनकी मूर्तियां थी, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोविंद जी, राधा माधव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मतलब जितने ये मूर्तियां थी, वृंदा देवी ये जो देख रही हैं ये वहीं पर थी, सबको लेकर के अलग अलग रथों में बैठा करके और वृंदावन से निकाल देंगे, ये हमसे अब शत्रु बन जाएगा और ये तोड़वाएगा मंदिरों को और मूर्तियों को, मज ले करके चलो बस। दिल्ली नरेश उधर भूकंप दिया, जयपुर का नरेश भी भाग गया और वो भी शिवाजी भी भाग गया। अब उनको जहां भी है पकड़ो और इनको जेलखाने में लाओ, इनको हम सूली चढ़ाएंगे। और इनके जितने बने हुए मंदिर हैं ब्रज के अंदर में, जयपुर का नरेश का बहुत बड़ा भारी योगदान है। गोविंद जी का मंदिर बनाया, गोपीनाथ जी का मंदिर, गोविंद जी का तो दूसरा है। तो इस तरह से सब मंदिरों को तोड़ना है। बस जब सेना लेकर के आया तो उसके पहले ही सब मंदिरों से मूर्तियों लेकर के वहां से पहले आए राधा कुंड में। राधा कुंड में शाम को चले, रात हो गई, राधा कुंड में ठहरे, इसलिए गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इत्यादि का सब मंदिर वहां। फिर वहां से दूसरा पड़ाव आया,
ये काम में बन में रहे। अब ये राजस्थान की सीमा में आ गया, उनका डर भय धीरे धीरे कम होता गया। सोचा जी अभी भी दिल्ली से ये निकट है, इसलिए और आगे ले चले। फिर यहाँ रात में रहे, यहाँ गोविंद जी को रखा, यह गोविंद जी का मंदिर, ये वृंदा जी का, मदन मोहन का मंदिर उधर में है, और गोपीनाथ जी का भी मंदिर उधर ही है, और सब ठाकुर जी को लेकर के रख करके अलग अलग पूजा करके फिर दूसरे दिन वहां से चले। फिर वहां से चलते 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 फिर धीरे धीरे में जयपुर में पहुंचे, अपने राजभवन में गोविंद जी को रखा। उसके पास ही में गोविंद मदन मोहन जी को और गोपीनाथ जी को भी रखा। गोपीनाथ जी भी अभी जयपुर में, गोविंद जी हैं। मदन मोहन उनकी लड़की लेकर के चली गई कॉलोनी में, उन्हीं की वो लड़की थी, अब वो अब उपहार के रूप में ले लिया। वृंदा देवी किंतु यही रही, और गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब चले गए। अब ये प्रतिभु विग्रह बना के रह गए। इसके बाद में फिर जयपुर में वो सब लोग चले गए। इसके बाद में वहां पर जाकर के औरंगजेब से बहुत बड़ी भारी लड़ाई हुई, किंतु अब कुछ कर नहीं सका। इसके बाद उनसे राज्य में विद्रोह हो गया, फिर गड़बड़ होकर के साथ जब मूर्तियों को जो तोड़ना आरम्भ किया था, मंदिरों का गिराना, इसलिए उसका राज्य भी एकदम सब टूट फूट करके साफ नष्ट भ्रष्ट हो गया पीछे से और अंग्रेज लोग। तो ये वृंदा जी का मंदिर है, पहले राजकीय रूप में इसकी बड़ी भारी सेवा होती है। देखिए कैसा विशाल मंदिर है, उस समय ये बहुत विशाल मंदिर था, आंगन भी बहुत प्रशस्त था। उस समय में काम्यवन बहुत ही सुंदर और मनोरम शहर था, यही वृंदावन माना जाता था। वल्लभाचार्य ने यहीं पर अपनी गद्दी बिछाई पहली, और यहीं पर चंद्रमा, क्या नाम, गोकुल चंद्रमा जी, गोकुल चंद्रमा जी, चंद्रमा माने गोकुल का श्रेष्ठ है, और गोकुल के ये चंद्रमा कौन है, उनका वहां पर मंदिर बने, और भी यहाँ पर बहुत से मंदिर बने। यह पहले यहाँ पर राजधानी थी, बड़े बड़े राजाओं की राजधानी थी, और बहुत ही सुंदर शहर था। अब खंडहर ही खंडहर आपको मिलेंगे, व्यवसाय का भी बड़ा भारी केंद्र था, वो भी धीरे धीरे दूर हो गया। यहाँ पर हजारों लोग लाखों लोग यहाँ आते थे, और बड़े सुंदर रूप से इसकी सेवा इत्यादि। हम लोग भी अभी 30-35 वर्ष आगे आए थे, तो अभी एक कुछ रौनक तौनक थी, और बड़ा सुंदर से चलता था। धीरे 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसे ही काल के कराल में बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े क्या क्या कहानी, मथुरा बिगड़ गया था, फिर जैसे फिर अभी बन रहा है। वृंदावन भी एकदम जंगल हो गया था, कि पीछे से चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में तब फिर ये चैतन्य महाप्रभु के पहले इसी को वृंदावन, आदि वृंदावन कहते थे। तब एक नई बात होती है, चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने कहा ये जमुना जी के किनारे होना चाहिए वृंदावन, यहाँ तो वृंदावन में जमुना जी नहीं, और ही राशस्थली कहाँ है, बंसीवट भी तो वहां पर होना चाहिए, पास ही में कृष्ण का आवास भी होना चाहिए, छठी करा पासी में मथुरा होना चाहिए। सब विचार करके देखा, ये भी ब्रज है, ये ब्रज से बाहर नहीं है, ब्रज ही है, किंतु वृंदावन 16 कोस की परिधि में, वृंदावन से लेकर के बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन सब उसके अंदर में, वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा होती है। उसके बाद में एक होती है 16 कोस वाली परिक्रमा, और एक 84 कोस की इसके अंदर में, सब स्थान बड़े उन्नत। यहीं पर पांडव लोग आए, बहुत दिनों तक गुप्तवास किया, यहीं पर कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई, यहीं पर यशोदा जी का घर था, पिताजी का घर, कृष्ण यहाँ पर खेले कूदे, उच्चारण किया, लुकलुकी कुंड दिखलाया, और कितने 84 कुंड न, कितने कुंड हैं, कितने मंदिर थे, अब वो सब इधर कहाँ चले गए सब। फिर समय आएगा, फिर कृष्ण की लीला होगी, फिर उस समय में फिर नए हो जाएंगे, तब एक बात करेंगे। कभी भी इन आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे, और इन आंखों का देखा हुआ सप्तम, ये तो जड़ चीजें देख सकती हैं, कृष्ण लीला कृष्ण धाम ये सर्वत्र सब समय एक ही समान रहता है, उसमें तनिक भी कोई अदल बदल नहीं होती। इटा नित्य भूमि ज्ञात श्रद्धा होवे, वही श्रद्धा अनुसार नित्य प्रकाश तहार निकट प्रकट कर दी,
इसीलिए हम लोग यहाँ की धूली को सिर पर लेंगे। ये वृंदा देवी पहले वृंदावन में थी, चली आई वृंदा देवी का, वहां पर कोई भी दूसरा विग्रह नहीं था। तो हम लोगों के गुरु जी ने ऐसा स्फूर्ति की, वृंदा देवी एक थोड़ी चली है वृंदावन, इसलिए हम लोगों ने वहां पर वृंदा जी की स्थापना की। वृंदावन के लोग बड़े प्रसन्न हुए, ये अलौकिक काम हुआ, ये यहाँ पर वृंदा जी पधारे और कुंज बिहारी वहां पर। इस तरह से उसका नाम भी रख दिया गया श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ, जो वृंदावन के 84 कोष भजमंडल में उन्होंने सब प्रकाशित किया। अब हम यहाँ से कामेश्वर महादेव को जाएंगे और कामेश्वर महादेव में यहाँ के पांडव लोग का गुप्त यहाँ पर ठहरे थे। दुर्वासा जी जहाँ पर द्रौपदी से द्रौपदी ने वो घड़िया उलाट उसमें से एक तिनका कृष्ण को दिया था, वो स्थान यहाँ पर जक्ष और ज्योतिषी से संवाद हुआ था। इन सब स्थानों को संक्षेप में हम आप लोगों को दिखलाएंगे। पास ही में यहाँ से दूर नहीं, यहाँ से करीब करीब 8 मील पर जंगल के रास्ते में, वन के रास्ते में 84 खंभा, तो काशी में वो रामेश्वर है, शेत बांध रामेश्वर है, लंका वहीं पर है। गोपियों ने कहा तुम बड़े झूठे मक्कार हो, तुम लबार हो, तुम्हें झूठा, तुम सब समय मिथ्या कथा बोलो, तुम्हें बोलते जैसे हमी आराम, ताले यही नदी पर एक पुल बेंधे जाओ ना सर और बंदरों को लेकर के इसमें लगाओ, तुम समझेंगे। कृष्ण ने बंसी बजाई और लाखों बंदर वहां पर उपस्थित हो गए और कहीं कहां से पहाड़ सब ले आए बड़े बड़े टुकड़े और झट एकदम पुल बांध दिया और कृष्ण गोपियों को लेकर के इस पार से उस लंकापुरी में चले गए। शेष बांध रामेश्वर की वहां पर स्थापना की। अभी वो सब दृश्य है, अभी देखने से मालूम होता है कि ये मिनी लंका है, ये मिनी रामेश्वर है। मिनी माने क्या, ऐसा अभी भी मालूम पड़ता है। कृष्ण की ये सब लीलाओं की दुनिया है। यहाँ आने से अंततः उनकी चरण धूलि तो हमारे ऊपर में उड़ करके लगेगी, यदि हम लोग ही लगाए ऐसा तो भी उड़ेगी और हम लोग के सिर पर सबक लग जाएगी। हम उस धूलि को नाश वंदना करें कि आप कृपा करके हमको राधा कृष्ण का दर्शन और लीलाओं का दर्शन करने जो की अधिकारी। अब चलिए हम लोग महाराज जी प्रणाम। महाराज जी हम सेवा उठाते मैं भक्तों की सेवा करता हूँ, करे वाक्य का कल्याण तो ये जो है कामर को सूक्ष्म बच्चा तो सुनाऊ कामर क्या चीज है सरस्वत प्रकृति का है, ये ध्यान रखने की बात है। जितना भी बैठी थी 6,60,600 होते हमारे काम में मात्र थी सभा के अनुसार 6,60,600 करवा दिया। आ गया शुभानंद महत्व बोल दे पूर्ण बोल भाई आशा ऋषि को प्रसन्न किया दुर्योधन ने, अपने घर में खूब खिलाया पिलाया, प्रसन्न हो गए वर मांगो। उन्होंने कहा जिससे जैसे आपने हमारे ऊपर में कृपा की ऐसे ही पांडवों पर कृपा करें और उनके यहाँ आप अभी अतिथि होकर के जाइए और आप कृपा करके दोपहर में जाइए। दिन ढलते समय में जिस समय द्रौपदी भी खा ले सब लोग खा लिए उनको कष्ट न हो तब जाइए। सीधे साधे मानी श्री जी कुछ समझ नहीं सके, सोचे जी उनके घर में तो बहुत कुछ होगा बना करके उसे फिर हमको खिला देंगे, ये तो नहीं जानते थे। ये जिसमें गड़बड़ी दुर्योधन चल रहा है, उनके पास में एक सूर्य की दी हुई थाली थी, बटोरी थी, युधिष्ठिर को दिया था और कह दिया था ये द्रौपदी उसमें जो रसोई बनाएगी अक्षय होगी,
और सब लोगों को खिलाने के बाद में अंत में वो खाती है, और खाने के बाद में उसको मांस धूल करके सब साफ कर देगी, तब हंडिया कुछ नहीं देगी। और नहीं तो जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक जो जितने लाखों लोगों को दे देगी, प्रतिदिन सबको खिलाती थी। सोच लिया होगा जैसे अब जरूर वो खा लिया होगा, कहिए अब आप जाइए और उनका आर्थिक छत्रण। ऋषि 60,000 ईश्वरों को लेकर के विमल कुंड के किनारे आए, जैसे और सब लोगों ने बड़ा उनका अवभगत किया, अभिवादन किया। उन्होंने कहा आज मुझे बड़ी भूख लगी है भाई, मैं अभी सरोवर में स्नान करता हूँ तेरा, और आप लोग सब ठीक कर रखे अभी आकर के प्रसाद। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात। ऋषि लोग चले गए और स्नान करने लगे, और इधर में इन पांडवों को बड़ी भारी चिंता हुई। द्रौपदी के पास में गए, उन्होंने पूछा बटलुही तो धोया तो नहीं अभी, अतः धो दिया, इधर तो दुर्वासा ऋषि आए हैं, कुछ भी भोजन करने से तो वो अभी संपात दे देंगे, हम सब लोग अभी उनके अभिशाप से जल मत कर खत्म हो जाए। द्रौपदी जी ने बड़ी चिंता की, हे प्रभो आप हमारी रक्षा की, हे गोविंद राख उशरण अब सब समय आपके अतिरिक्त हमारा और कोई दूसरा नहीं जिसे मैं कुछ कहूँ, अब जल्दी से हमारी आन रख दो, नहीं तो अभी हम सबको जला करके कर इतने में देखा जे पासी से वन में से कृष्ण मुस्कुराते हुए वहाँ पर उपस्थित हो, सब लोगों ने प्रणाम किया। कुशल है कि 60,000 ऋषि अभी आए हैं भोजन करने के लिए, अभी यदि नहीं दिया जाएगा तो यह हमें जला डालेंगे। द्रौपदी जी को आश्वास हो गया विश्वास, अब तो जान बची। किसने कहा कि द्रौपदी तूने खा लिया तो खा लिया, बटलोई कहाँ है, तो वो तो माज करके मैंने उल्टा करके रख दिया, अरे जरा लाओ तो सही, तो वो ला करके क्या होगा, उसमें तो है नहीं, अच्छा ले आओ तो देखो यदि उसमें कुछ है। ले आकर के कृष्ण ने बारीक नजर से देखा, वो तो भूल ही गया था कृष्ण ने कहीं से लगा दिया या कहीं से बच गया, एक थोड़ा सा पतला सा उसमें लग गया अंत भीतर, पर कृष्ण ने उसे बारीक रूप से देख करके उसे अपने हाथों से उसे निकाला और निकाल करके मुख में ऐसे दे दिया और पानी मंगा और पानी खूब पी करके पेट भर गया। पिप्तोष्णी डकार दिया खुद को और पिप्तोष्णी कहा, उधर स्नान कर रहे तो उनके पेट खुल गए और डकारने लगे। कितने में भीम गया गदा लेकर के, भीम को देखते ही कहा आज भीम से भागो नहीं तो आज प्राण रक्षा है, एक अम्बरीश से ही तो हम डरे हुए हैं, न जाने क्या हो जाती थी सुदर्शन, यहाँ पर तो एकदम उनके और प्रिय भक्त लोग हैं, कहीं सुदर्शन चक्र घेर करके काट दिया तो खत्म हो गए, बस जल्दी से वहीं से भागे। भूभुआ स्वाम महाजनों तप सत्य पार करते हुए भक्त की रक्षा यहीं पर, जबकि पांडव लोग थे अरे था यहीं पर जब थे कर्ण दुशासन और शकुनी दुर्योधन सब मिलकर के मंत्रणा की आज ही वहां पर आक्रमण करके उनको बंदी बना दिया जाए और खत्म कर दिया जाए सारा जीवन के लिए झंझट और संकट मिट जाए, बस वहां से लेकर के रात बड़ी भारी सेना चले। सब पितामह ने द्रोणाचार्य ने मना किया तो भी नहीं माने, उनको छोड़ करके आप ये सब बाकी सेनाओं को लेकर के आए, जब एकदम निकट में पहुंच गए तो रसोई बनने लगे। This is Dean Alcon. आ तो लाल कर दो। हां? हां, तो।
He smells and then he eats. ये नंदगांव की एक सीमा है, जबकि अक्रूर को भेजा कंस ने, तो जब यहाँ आए तो चरण चिन्ह देखे, चारों तरफ उनके चरण चिन्ह, विशेष करके यहाँ पर ये देखा तो एकदम हृदय में आनंद छा गया, आंख से आंसू आने लगे और एकदम लौट गए, अपने छाती के नीचे चरण चिन्ह को रख दिया और बड़ी से यहीं से स्तौन स्तुति इनकी करने लगे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि मैं इस स्थान में आया। जिन चरण कमलों को होने से ये गंगा निकली है, इतनी पवित्र ये चरणों के प्रताप से ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि और शंकर जी प्रलय इत्यादि कार्य करते हैं, ऐश्वर्य पर ब्रह्म है और मेरे भतीजे बने हुए हैं। अच्छा चले तो वहां हमको वो पहचाने थे वो नहीं, हमको चाचा कर भी एक बार भी पुकारा तो हम समझे कि हमारे जीवन बन गए। बहुत तरह की स्तौ स्तुति करने लगे, ये उनके शरणागत भक्त में से एक। फिर गए नंदक के यहाँ, शाम हो गई थी, वहां पर पहुंच करके घर में गए, नंद बाबा से भेंट हुई, कृष्ण बलराम जी इनके आए, इनको प्रणाम किया और चाचा जी कहने लगे। दोनों बच्चों को उन्होंने अपने अखबार में भर दिया और तरह तरह के स्थल स्तुति उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग वसुदेव जी के लड़के हो, आप तो ये तो भगवान है किसी के लड़के नहीं, तभी वसुदेव जी के लड़के हो, देवकी के पुत्र हो, बचपन में ही तुम्हारे पिताजी वहां रख गए थे गोकुल में, अब लोग तुम बड़े हो गए, तुम्हारे लिए ही देवकी और वसुदेव कभी जंजीर में बंद करके जेल खाने में रखा है, रोज गाली गलौज करता है, पैर से ठोकर मारता है, बड़ा अपमान करता है, ये तुम लोगों के लिए बड़ी भारी लज्जा की बात है कि तुम्हारे पिता होने से और तुम्हारे लिए ही उनको इतना कष्ट देते हैं और तुम लोग अब बड़े हो गए, अब तो जरूर इनकी रक्षा करनी चाहिए। रात भर इनको पाठ पढ़ाते रहे, विशेष करके बलदेव जी को बड़ा क्रोध आ गया। अच्छा तो दुष्ट असुर को हम लोग मारेंगे, मालूम होता है कि उसका काल आ गया, जब काल आता है तो एक सर्प को लेकर के गले में आदमी लपेट लेता है और उसको काट डालता है, ऐसे ही इसका काल आ गया है, हम जरूर चलेंगे। फिर नंद बाबा के पास में आए, बोले वसुदेव जी आपके भाई हैं और उनके लड़के हैं, आप इनको जाने दीजिए, कल रंगशाला में बुलाया है और कृष्ण बलदेव जरूर उसका वध कर डालेंगे, आप उसको जाने दीजिए। ब्रज के लोगों ने जब दूसरे दिन सवेरा हुआ, ब्रजवासियों ने सुना तो बड़े रोने धोने लग गए, यशोदा नंद को गाली देने लग गए, ये अक्रूर आया, अक्रूर नहीं है ये क्या है, क्रूर है, जो कृष्ण और बलदेव को यहाँ से ले जाने के लिए आया है और झूठ बोलता है कि ये देखिए वसुदेव के लड़के हैं कृष्ण। इसके बाद में सब लोग आकर के यशोदा जी से उल्हाना दिया, यशोदा जी ने खाट के अंदर में कृष्ण को छिपा लिया, किसी तरह से आने नहीं देंगे। नंद बाबा ने कहा मेरी शपथ है मैं इनको ले जाऊंगा और साथ ही ले आऊंगा, यदि नहीं आया तो मैं भी घर नहीं लौटूंगा, मैं जरूर उनको लेकर के आऊंगा, तरह तरह की शपथ खाई, और नहीं तो कंस इस पुरी को उजाड़ देगा नंदगांव को, इसलिए तुम किसी प्रकार से जाने दो,
और कल नहीं तो परसों जरूर हम लेकर के चले आए। कृष्ण जबरथ पर जाने के लिए तैयार हो गए तो अब जितने ब्रजवासी लोग थे सभी लोग हाहाकार करने लगे और गोपियां तरथ के सामने गिर पड़ी, सत्याग्रह कर दिया किसी प्रकार से नहीं जाने देंगे। उस समय में कृष्ण रथ से उतर करके गोपियों से मिले, उनको सांत्वना दी, कल नहीं तो परसों जरूर मैं आऊंगा, इसलिए पलसो नाम हो गया उस गांव का जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं परसों जरूर आऊंगा, सी परसों उसका नाम है। इसके बाद में उनको सांत्वना देकर, किंतु उनको सांत्वना नहीं हुआ, मूर्छित स्थिति में उनको छोड़ करके और अक्रूर ने रथ हाँक दिया और मथुरा की तरफ में चले। तब से गोपियां घर में नहीं गईं, रसोई नहीं बनी, तरह तरह की दृढ़ की बातें हुई। फिर हम लोग परसों आएंगे तो फिर वहां पर उद्धव क्यारी में इस सब की बातें हम लोग बतलाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से पांच सरोवर जाएंगे जहाँ पर की नंद बाबा यशोदा जी ब्रजवासी लोग स्नान करते थे, कृष्ण भी सखाओं के साथ में स्नान करते थे, गायों को पानी पिलाते थे, बछड़ों को पानी पिलाते थे। ये सब स्थान दर्शन करके हम लोग आज सीधे चले जाएंगे कोकिल वन, जहाँ पर कृष्ण कोकिल बन करके कुहू कुहू करते थे और गोपियां सब वहां से मिलती थी। वहां से हम जाएंगे कहाँ तुम्हारी ससुराल रही, वहां पर हम जाएंगे वहां से बहुत दूर और पैदल का रास्ता वहां से मिलेगा, फिर जाना एक मील दो मील और आना, तब तक शाम हो जाएगी। इसके बाद में जाएंगे वहां पर जावट में, जावट जिस बट के नीचे उनका राधा जी का राजभवन था, राजमहल था, वहां पर जाएंगे उनकी ससुर बाड़ी और वहां से फिर आज मथुरा में चले जाएंगे। परसों हम लोग आएंगे तो सीधा एक बार नंद बाबा के ऊपर में जाएंगे, कमला अमलापति का फिर दर्शन लेंगे और वो लोग चावट और कोकिलवन का दर्शन उन लोगों का नहीं, इसलिए आज हम लोग उसको कर लेंगे और हम लोगों के लिए सीधा रास्ता होगा, फिर उस दिन नहीं होगा, इसलिए ये सब दर्शन करके और फिर हम लोग मथुरा। बोलो गौर प्रमाण। The province of Rovira. प्रभु आप ऐसे कुछ बोलू ना, है सबको सब अज्ञानतिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्ने अपायन्मानुभीष्टमन्दम् कृताम्बुदिर्जा परदुःख दुःखी सनातनस्तम् प्रभुमाया श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम् ददाति। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सचमुच में ये पावन ही सरोवर है, पावन माने पवित्र करने वाला, एटे पावन सरोवर, कृष्ण समय तो पावन सरोवर आज ही और संबंधी हमें ओखने बोलना एक अने सनातन गोस्वामी भजन कुटी रूप गोस्वामी के कदम्बे ते थकते और इन एक स्थले ते थकते। प्रथमे रूप सनातनेर संगे देखा हुई कनाई नाटशाला ते, तखन हुसैन साहब बाद साहेब एरा प्रधानमंत्री एंड प्राइवेट सेक्रेटरी, रूप गोस्वामी प्राइवेट सेक्रेटरी और सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री, राजा नाम का राजा किंतु काम करने वाले यही दोनों भाई थे और तीसरे भाई थे अनुपम जी, वो खजाना इनके हाथ में था।
भाषा चारों तरफ में युद्ध में जय करते इधर उधर घुमा करता था। किंतु जब से चैतन्य महाप्रभु जी के उन पर कृपा हुई, भेंट हुई, राजकाज में अब मन नहीं लगता था। जाते तो थे किंतु मन नहीं लगता था। रूप गोस्वामी का मन एकदम विरक्त हो गया। उन्होंने सारा रुपया वहां का लेकर जो उनको पाना था मालिकी राज के सब रुपये में लेकर के आधा ब्राह्मणों में बांट दिया, आधा का आधा भाग लेकर के परिवार जनों में उनके पालन पोषण करने के लिए दे दिया और चौथाई भाग रख दिया सनातन गोस्वामी को बंदीशाला से छुटाने के लिए। ये लोग सब सब कुछ जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले होते हैं। सोचा कि इनको जरूरत होगी। वैष्णव लोग भी कभी कभी घूस देते हैं, कोई कोई नीतिवादी लोग घूस नहीं देते, किंतु वैष्णव लोग सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण के लिए। न धर्मं न धर्मं सुतगुण निरक्तं कुल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रसिद्ध परिचर्या। समत्र स्वरूपं रूपं तस्या गजगुरिपुरीं माथुरीं गोस्तवाटीं राधाकुण्डं गिरिवमहो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रथित कृपया संगुरुं स्वतोऽस्मि। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे अन्न माम चरणन्ति। यत किंकरेषु वंश खलु काकुबानि नित्यं परस्य पुरुषस्य सुखन्दमौले यस्या कदा रसनिधे विशुभानुजाय ततके विकुञ्ज भवनं कनमर्जने। हमरा जे स्थाने ते एसेछि से स्थान अत्यंत गोपनीय, एमन कि कृष्णेरो साधना आराधना रीता जाएगा। महाप्रभु एकांत अनुगत छाड़ा ए स्थानेर महिमा अन्य कोनो संप्रदायर निकटे बुली परिचित न। वल्लभाचार्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुज तक थाई बाकी अन्य कोनो संप्रदाय ए स्थानेर महिमा आदि शेष न। अत्यंत दुर्लभ महिमा ए स्थान नाम छे जाबट। जाबट जे बटे निकटे ते जे बटे सुशीतल छाया निकटे श्रीमती राधिका राजभवन छिलो। এইটা শ্রীমতী রাধিকার স্থান, এইটা মোটামুটি বুঝতে হবে। এই জন্য শিলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলছেন যে বিশ্বভানুপুরেতে আমার কখন জন্ম হবে আর বিবাহ হবে যাবতে। আরো আমাদের সব সর্বত্রই এইটি প্রসিদ্ধি, এইখানেতে কৃষ্ণেরই ছায়া অভিমন্যু এখানে থাকে। তারই মায়ের নাম জটিলা আর তারই ভগ্নের নাম কুটিলা। এইখানে শ্রীমতী রাধিকা বিবাহ হয়েছে, গোপীরাও সব এইখানে থাকছে। ললিতা বিশাল কাচিত্রা চম্পকলতা ইত্যাদি সব এইখানে বিভিন্ন প্রকারে শ্রীমতী রাধিকা তারা সকলের সেবা করছে। সেদিনে বলেছেন যে সে ওই পাশেই তো কপিল বন নিকটে, ওইখান থেকে কুহু কুহু শব্দ করত। এমনকি তার সমস্ত বিচিত্র লীলা এইখানে হয়েছে। যদি এই যাবত স্থান না থাকতো তাহলে পার্কীয় ভাবটাই থাকতো। পার্কীয় ভাবে এই যাবতটাই হচ্ছে স্থান। এইখানেতে
থাকাকালে যশোদা মা মনে মনে চিন্তা করছে, যশোদা জি চিন্তা কর রহি কি হামারা বাচ্চা কানাই দুবলা পাতলা হয়ে যাচ্ছে, হামারা বাচ্চা লালা দুবলা পাতলা হো রহা হ্যায়, খাতা কুছ নহি হ্যায়, জো কুছ উসকে লিয়ে হাম বানাতি হ্যায় ও কুছ ভি নহি খাতা, না জানে উসকো ক্যা হো গয়া হ্যায়। পূর্ণমাসী জি সে পুছা যে হমকো ক্যা করনা চাহিয়ে, হামারা বাচ্চা দুবলা পাতলা রহতা হ্যায়, খাতা পিতা নহি হ্যায়। উনহোনে কাহা ব্রজ মে राधा की नाम की एक रमणी है, अभिमन्यु की पत्नी है, विश्वभानु महाराज की लाडली है, विश्वभानु महाराज से उनका अधिक संबंध, वो यदि रसोई बनाने के लिए यहाँ आ जाए और वो रसोई बनाए तो कृष्ण को बहुत रुचिकर हो जाएगा और वो अजरमर बन जाएगा, कभी उसको रोग नहीं होगा और बड़े बड़े दैत्य दानों को भी वो मार सकता है, सब प्रकार से उचित है, उसको आप बुलवा लीजिए। उन्होंने कहा कि आपकी सहायता के बिना हम नहीं बुला सकती, अपना सहयोग छड़ा में ताकत डालते पर हमारा कथा ही सुन देना। अच्छा तो तुम्हें प्रयास करो, हम भी प्रयास करो। যশোদা দেবী তার সঙ্গে এই পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন আর তার শাশুড়িকে জটলাকে নিজের সখী পাতলেন, উনকো সখী বানায়া, বহুত লোক দিয়া প্রস্তাব দিয়া, ডরতে ডরতে যে তুম আপনি বহু কো কুছ দিন কে লিয়ে হামারে ঘর মে নন্দগাঁও মে রসোই বানানে কে লিয়ে ভেজ দিয়া, ও তুমি জেসি বহু হ্যায় ও হামারি ভি বহু হ্যায়, तुम्हारी जैसे बेटी है मेरी भी बेटी रहेगी, और अपने घर से उपहार लेकर के कपड़े लत्ते आभूषण सब लेकर के उनके यहाँ दे, तो कहते हम नहीं भेजेंगे, तुम यहाँ की रानी हो भले ही, तुम अपने बहू को तुम्हारे घर में किस लिए भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। पूर्णमासी जी आकर के एक दिन बोली, अरे यशोदा जी ने कहा तुमने उसको मना कर दिया, तुम्हारा लड़का मर जाएगा यदि उसकी बात नहीं मानेगी, हम जानती हैं भविष्य त्रस्ता है, तुम्हारी गायें सब मर जाएंगी, तुम्हारी गोरु गुरु जो तो बुरी मारा जाए वो तो नष्ट हो जाएगी, इसे जल्दी से उसके कहने से भेज दो, कोई चिंता की बात मत करना मैं हूँ। फिर राजी कर लिया इसी प्रकार से, तो प्रतिदिन यहाँ से यहीं से जाती थी नंदगांव में और रसोई बनाती, प्रतिदिन एकांत के जिए रहना करते। रोहिणी माता खूब रान्नाते पटु छिलेन, बहुत ही चतुर थी रसोई बनाने, किंतु राधा जी के सामने वो भी फीकी पड़ जाती थी, वो केवल सामान एकत्रित करके और राधा जी के पहुंचा देती और समस्त सखियां सब मिलकर के और एक साथ में 10-20 चूल्हों पर बड़े सुंदर रूप से रसोई बनाती और कृष्ण खाते। बीच में जब यहाँ से चलती थी सखियों के साथ में सुंदरलता उनको बुलाने के लिए आती थी, गोविंद लीला में इत्यादि में सबका विशद वर्णन है, जब भी जाती थी तो कदम बटे बीच में पड़ता है, बीच मांस खाने से कदम बटे कदम बटे रहते कृष्ण गोदोहन करवार जन्ना वो खाने से खाते पूरा वही रास्ता दिया आज के आज कृष्ण जेने सुने गोरगुली के लिए रास्ता ऊपर रखे दीते আর দু পাশে গরু গিয়ে তো মাঝখানে রাস্তা, শ্রীমতী বলতেন যে আমি এখানে চলো আমরা ভোট দিতে যাই, ললিতা বলতেন যে তুমি ভয়কার করো নাকি, এক হুঙ্কার দিলে কোথায় সে চলে যাবে। তারপরে তিনি নিয়ে আসছেন কৃষ্ণ দুইতে দিতে গরু এমন ধার মেরেছে অনেক দূরে যাচ্ছেন আর তার সমস্ত মুখমন্ডল একবারে দুধে তে ব্যস্ত হয়ে গেল, সমস্ত দুধ সে একদম ভর গেল, ऐसी ऐसी লীলাएं करता। राधा जी भी उनका दर्शन करने के लिए कभी उनके गले में माला मणियों की मणि माला हठक कर से सब बुली पड़े जेतो और सब चारों दिखे छिटे जेतो और ओखने बसे जेने सुने सब बुली पड़े तार दर्शन कर।
তারপরে ওখানে যেতেন, রান্না ইত্যাদি করতেন অতিথি। এক সময় কোন কারণবশত শ্রীমতী রাধিকা কিছু অপ্রসন্ন হয়ে গেছেন, মান তার হয়েছে, আর যাওয়ার থেকে ওখানে যান না, যাওয়ার সে গই নাই। কৃষ্ণ সোচা যে কেসে মানে আজ সুবল সে কাহা, ধনিষ্ঠা সে কাহা, ললিতা বিকা কাজী সে কাহা, কোন কিছু কি বাত আজ নেই সুন রহি, খানা পিনা ছোড় দিয়া আর এই পর মাননি হোকর কে বেঠ গেল। কৃষ্ণ সোচা যে দূসরি জগ হতা তো মানা লেতে, উসকে ঘর মে ও জটিলা জটিলা পাক বনাতি হে আর কুটিলা কুটিল প্রকার কি ও হ্যাঁ, वो हवा के गंध से भी जान लेती है ये कृष्ण किधर से आया किसे, और सब समय उसको गाली गलौज करती है, सब समय बड़ी कड़ी नजर रखती है, खूब कठोर नजर रखे, एक फिर दिखे दिखे हो जाए कतो रकम कथा बोल बैसो। कृष्ण ने सोच विचार करके बटुक का वेश बनाया, बटुक माने की ब्राह्मण बालक पोटे जाच्छे कोई रकम, গলাতে মালা খড়াম পরে নিয়েছেন, বগলে বই দাবিয়ে নিয়েছেন, ছত্রি লেলি তাল কে পত্তোঁ কা, একদম এসা বেশ বানায়া যে কোই না সমঝ সকে যে কৃষ্ণ নেই হ্যায়, একদম বদল গেয়া, একবার পাল্টে গেল রূপ। আরে অভিনয় তে আমরা বুঝতে পারি না যে সে কে ব্যক্তি, এক নাটক মে हम लोग नहीं समझ पाते कि कौन वही व्यक्ति है वो सज गया है। आज कृष्ण स्वयं भगवान आ इच्छा कर ले युग माया ताकि एमन साजिए दिए छे सत्य सत्य एक छात्र बालक मतुन हुए था शेषांत के अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन माने क्या है, यहाँ के अद्वैतवादी सन्यासी कहेंगे अलख निरंजन, अर्थात ब्रह्म निराकार है वही मैं ब्रह्मकार हूं, আমি ব্রহ্ম অলক তাকে দেখতে পায় নিরঞ্জন, কই উপাধি নেই হ্যাঁ, স্বয়ং অলক নিরঞ্জন জগৎ কে দৃষ্টি সে নেই দেখে যাতে, আর নিরঞ্জন কই উপাধি নেই হ্যাঁকে অন্দর মে, বাত তো ঠিক হ্যাঁ নির্গুণ হ্যাঁ, কিন্তু অদ্বৈত বাদিও কাজ ইয়ে সত্য বস এসে করতে করতে ইহা পর পৌঁছ গে। জটলা কে ঘর মে अलख निरंजन कह करके भिक्षा मांगने लगे, हम लोग अभी ब्रज में जय राधे श्री राधे श्री राधे करते हैं और लोग भिक्षा दे देते ब्रज के सभी लोग भिक्षा दिए दिए, तो ऐसे अलख निरंजन कहने लगे, दौड़ करके जटिला जी आई, ओ कोई बाल साधु आया, बालक साधु बालक ब्रह्मचारी बटू आया, कहे बेटा थक जाओ थक जाओ अभी आके, बस घर में गई घर पे गेलें असुंदर सुना थालाते आटा एखाने ओखाने बंगला से चावल एखान से आटा दाल घी मैदा या किछु आछे सब दिन नहीं आते ने मुझे बाबा तुम लो, उन्हीं बोलें जैसे हम तुम्हारे हाथ से चली बोना, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी लूंगा, কেন বাবা তুমি নিলে না, তো তুমি বিধবা, তুমি বিধবা হো তোমার হাত সে মে বিধবা কা লোক কা হাত কা নেই দেতা, আমি যা রহা হুম দূসরে কে ঘর মে চলা যাউঙ্গা, উহা সে কুছ ভিক্ষা মিল জায়েগি, অন্য লোকের ঘরে যাবো কুছ ভিক্ষা পাওয়া যাবে, আমি এক জায়গা সে শুধু গোদহন কা যত পাঁচ মিনিটের মধ্যে গরু গুহা যায় তো পাঁচ মিনিট মাত্র থাকি, অন্য সাধু বনের এইটা নিয়মই ছিল, बस गाय को दूहने में कितना समय लगता है, दो मिनट चार मिनट पांच मिनट, बस उतना ही देर तक रहेंगे इसके बाद हम चले, हमारा वो पांच मिनट होगा आप जा रहे हैं, कह नहीं बाबा हमारा सर्वनाश हो जाएगा, सवेरे सवेरे अभी बहुत का समय सवेरे सवेरे, अभी यदि तुम खाली हाथ लौट जाएगा, यदि तुम खाली हाथ से यदि चले जाओ तो तुम्हारा सर्वनाश हो गए, हमार गोरुगुली नष्ट हो जाए, हमार छेले असुख विसुख हो जाए, আমার কোন ছেলে নাই নাতি নাই, একটু নাতি আমার বাড়িতে তো হবে, এইসব কত রকমের তাকে মানাইতে লাগলো, উনকো মানানে লাগ গে, কেন যদি সে যদি করতে হ্যাঁ তো তোমারে ঘর মে কোই আসি বহু বহু হ্যাঁ তো বুলাও নে তো হম চলে যাবে। আচ্ছা বাবা তুমি দু মিনিট একটু থাকো, তোমার আমি পায়ে পড়ি
लौटा के दर जल्दी से अपनी बहु माँ से बोली। अब तो बहु माँ के बोल रहे माँ चलो तू चलो तो साधु इसे बाल तेजस्वी अभी बाल सन्यासी बाल बटू अभी आप खूब विद्वान चलो तुम्हें ना हमें कखन जाबो ना हमें कोनो पर लोगेर काछे एमनी तो तुम्हारा दुर्नाम कर तुम्हें हमार मा ठाकुरानी और हमारी बदनामी करो और तुम्हें जदि कुछ चुप खा बताए ननद मोसा ग्रामे ते गए ढोल पीटिए दिए हमारे विरुद्ध बोले दिया ढोल बजा करके हमको कहेंगे ये हमारी बदनामी करती है हम नहीं जाएंगे अरे साधु चले गए हमारे देश सर्वनाश हो गए तुम्हें शीघ्र चलो कुछ नहीं करे तब ललता विशाखा इत्यादि उनके चरण को पकड़ के बोलिए बेटी तुम लोग इनको तैयार कर दो नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा हमारे हाथ से वो लेता नहीं है और वो सन्यासी बड़ा तेजी है वो बच्चा जरूर कुछ अभी संपाद दे करके चला जाएगा और वो एक मिनट से ठहरेगा नहीं अभी जल्दी से जल्दी इसको दो। तब उन लोगों ने राजा जी से कहा फिर अंत में अच्छी बात है ठीक है चलती है बोले सुंदर सोना थाला थे सब जिन्स पत्र लेकर के और चली जा करके गई कृष्ण ने देखा जैसे हम जिसको चाहते थे वही आए हम जाके क्या खिलाम से ये थे घूमत एकदम यहाँ तक लटका दिया जैसे कि इधर के रीतियां हैं घूमत एकदम नीचे तक लगा दिया और थाल में लेकर के जब वहां पर पहुंची भिक्षा देने के लिए जब हम भिक्षा के बाद जन्म जीते लग रहे भिक्षा से मैं नहीं लेता क्या जने सतवा है विधवा है नहीं जने क्या है मैं शिक्षा नहीं लेती सतवा ना विधवा नहीं ना शिक्षा नहीं बोला तुम्हें खे ना जने हमारे साथ देखते पुरुष नारी ना की तुम्हें हम ये रकम जी बोला तुम लड़का है कि स्त्री है कि क्या है हम नहीं लेगा ललिता इत्यादि जी ने कहा जय भाई फिर जब देने लगी कहा मैं ये भिक्षा नहीं लेता मैं तो किसी भिक्षा के लिए आया हूँ विशेष भिक्षा के लिए आप सारे पर माननी हो गई क्रोध करते और आपके बिना मैं रह नहीं सकता तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकते तुम ही हमारे छाड़ा तुम्हें छाड़ते पर ना हम नहीं तुम्हारे संगे छाड़ते এখন আমি ভিক্ষাতে এসেছি এই ঝোলি আমার তোমার মানরূপী ভিক্ষা আমার ঝোলিতে দিয়ে তোমারা যে মান হ্যাঁ ওই আমার ভিক্ষা মে দে দো ইয়ে সব হম লেকর কে ক্যা করেন জব ইস প্রকার কে কহা তো শ্রীমতী রাধিকা জি পুরা দিয়ে আরে তো ঘুঙ্গুট উঠা দিয়া আর ফির ইসকে বাদ মে মুস্কুরা কর জো কুছ লাই থি উনকে সির কে উপর মে ডাল দিয়া আর ঢাল করকে বন্ধক कृष्ण जी का भी मनोरथ पूर्ण हो गया उनका मन भी भिक्षा के रूप में ले लिया ऐसी सब लीलाएं एक समय कृष्णचंद्र जी देखा दो एक ही बतलाऊंगा जसोदा मैया अपनी पिटारी में बक्से में निजे पिटारी में बादशाह थे बड़ो लंबा चौड़ा बादशाह और तार मध्य सुंदर सुंदर सोना आभूषण जवाहरा मोती हीरा और स्वर्ण जटित वस्त्र सजा वो सजा रही हैं बक्से के अंदर में सोना का कंगन सोने का हार ये यहाँ पर चूड़ा मनी कमर की करके बहुत अच्छे अच्छे अलंकार बेस्ट कीमती अलंकार तुम्हें सजा कृष्ण हठात कर चले आते मन पर कृष्ण जाते ना देखे किंतु कृष्ण हठात करे को था ठीक है माँ गुली की कर माँ तुम जाओ तुम चले जाओ अभी पीछे आ जाओ माँ तुम्हें हमारे बोले तब प्यार से के साथ में उनका छोड़ी पकड़ करके और प्यारे बंद करके आने लगे मैया तू बता दे हमें तू ये क्या करे हमारा वर्षनाश तू नहीं आ रहा है हमें पहन है मैंने हमें हमारा कितनी पर आवे ना कि हमार वर्षगांठ वार्षिक दिन कुछ ही बोले तुम्हें जा तुम तो बुझी ना पर तो हमारे खन फुर्सत में बोलवा समझ गए जे ये वर्ष जा रहा है जावट में
ये जाएगा किस लिए? कि जो जटिला है वो प्रसन्न रह करके रोज रोज भेजा करें। जब देखिए इनके बहू के लिए इतना उपहार दे रही हैं, बहू जन ना तो उपहार भालो भालो दीस से जो भी ना पठाई तड़ता दीबे ना यही लोग है जन्ना पठा दे। तो जो सदा ना बोले छिले ठीक नौटा समय तुम्हार पुत्र अभिमन्यु के पाठी दिले हमारे खाने जटिला के। जटिला को कहा तुम अपने पुत्र को 9 बजे भेज देना सवेरे, नहीं तो दूसरे को दे देंगे तो ये बेशकीमती चीज कभी कोई लेकर के इधर उधर चला जाए तो तुम्हारी बहू क्या नहीं पहुंचेगा, इसलिए अपने स्वयं लड़के को भेज देना। अभिमन्यु खाने उपस्थित नहीं थे नंद गांव में, बादशाह साजिए दिया होते बादशाह साजा करके यशोदा मां किसी काम से गई और उधर कृष्ण सुबल सिद्धांत को लेकर के आ गए। सुबल सिद्धांत के लिए ऐसे गए थे जो तू कापोड़ चापोड़ जाए अलंकार सब पूरी बाहर करे दिए बाहर करे लिए और सही खाने लीजिए बसत सुबल चाबी दिए। सुबल को बैठा सुबल ने उनको बैठा करके और उसमें ताला और चाबी खूब अच्छी तरह से लगा दी जैसे पहले लगा था। बस वो आया और अभिमन्यु आकर के और अपने सिर पर उसको उठवा दिया और उठवा करके लेकर के वो यहाँ आया। आकर के अपनी मैया के पास में रखा। मैया ने कहा जैसे हमको ये सब की क्या जरूरत है, बहू पहने की कपड़े लगते ये सब घर में जाकर के रखाओ। घर में अंतर महल में आया और अंतर माले तेनिये ताकि कापुर चापुर एक बादशाह रखे दिलो। जखन बादशाह रखे दिलो तखन श्रीमती इत्यादि भारी आनंद देखी जो माँ यशोदा की पाठी छे अमर जन्म उपहार। तखन जटला कुटला सब बाहर चले गए आर इसी मध्य सब सखी का निर्माण खाने के कृष्ण खुला हो खोले देखे श्याम सुंदर खाने बोलते ऐसे ऐसे सब तरह तरह की क्रीड़ाएं यहाँ पर करते हैं। कभी कभी उनके घर में आकर के बैठ गए और इतने में जटिला और कुशिला को गंध लगे ये जरूर आया है अभी निश्चय अखने ऐसे छे ताकि खोज चला ये कोथा छे। कृष्ण ने देखा जी सही तो खोज करके हमें बाहर कर लिया नाम से खोज ली दे। तखन कृष्ण झट करे कालो रूप धारण कर दिए बोले जे काली हो गई ऐसा गेहूं मट्टी लगा लिया और काली का कलिखा लगा करके और साड़ी पहन करके बस वहीं पर खड़े हो गए काली जैसा बांध कर दिया ऐसा जैसे कर ये देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा यदि वर मांगना है तो मांग लो बस चक वहां से देख करके नमस्कार करके ऐसे ही सब लीला हुई। अब अधिक नहीं आप लोगों को भी लोभ उत्पन्न हुई लीलाओं में भजन कीजिए विधि मार्ग से पहले भजन करते 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 गुरु वैष्णव की सेवा करते करते यदि यहाँ के गुरु चुना भी हो गए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इन लीलाओं में प्रवेश आगे नहीं होता लाखों करोड़ों वर्ष तक लाखों कोटि वर्ष पर्यंत जन्म जन्मांतर भरे ताले ब्रजवासी गणे रूप सनातन कृपा हो गए और तापर वही समस्त मध्य प्रवेश रोग उत्पन्न हो गए सहज व्यापार न एक जन बेसी सब उसका नाम बोले दिए यही तब उस समय श्रीमती राधिकारिता ससुर बाड़ी किंतु राधिका रानी अन्य कोथाउ विवाह है कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं हुई। कृष्ण अभिमन्यु जैसे छाया में हार करके और उनके साथ में पानी ग्रहण किया। इसी तरह से बहुत सी लीलाएं हैं ब्रज में कितने क्या जाए अभी हम चलेंगे नंद गांव में यही से पास ही में एक दो आयुष में पड़ेगा वो फिर खत्म जहाँ पर की वो खड़े होकर के रात ऊपर में बैठ जाते वृक्ष के ऊपर में वहीं से बंसी बजाते लाखों कोटि गाय वहां पर चढ़ जाते मणियों से जो माला तीसी से लाखों कोटि को समझ जाते गाय और पुकारते उसी को बंसी में फिर वही आ जाते। इसी प्रकार से ये सब लीलाओं का स्थान है हम लोग ऊपर चलकर नंद बाबा का स्थान और उसके बाद में उद्धव के आय इत्यादि का दर्शन करते गौ प्रणाम।
सबले आराध्य स्थान पूज्यपुर में ब्रह्मा एवं शंकर बहुत दिन धरे तपस्या एवं कृष्ण आराधना करे छिले। तखन कृष्ण प्रकटित हुए तादर के बोले छिले जैसे तुम्हारा की चाओ, तुम लोग क्या चाहते हो। तखन ब्रह्मा जी बोले छिले जेखने अपना प्रिया विविध प्रकार क्रीड़ा करें से वर्षभानु पूरे थे जेनो तहां लीला अमार उपरे जेनो আমি যেন পাথর পাহাড় হয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার উপরে তাহার লীলা বিলাস। তখন বললেন যে এবং মস্তু এসাই হো। তখন তিনি ব্রহ্মগিরি ব্রহ্ম পর্বত হয়ে বর্ষানাতে তিনি জন্ম লাভ করেন। আর এখানে নন্দীশ্বর শঙ্কর মহাদেব তিনি ভগবানের পরম ভক্ত, তিনি তার নিকটে প্রার্থনা করলেন যে আমি চাই যে আপনার চরণ ধুলি আমার মস্তকে তে সব সময় পড়ুক এবং আপনার ধন নন্দ বাবার ধন যেন আমার উপরে তে হোক। তখন যে এও মস্ত এসাহি। তখন এইখানেতে শঙ্করী মহাদেব এই পর্বত হয়ে তিনি জন্ম নন্দীশ্বর তাহার নাম। এখানে নন্দ বাবা প্রথমে তার পূর্বানুক্রমে তে এইখানে থাকতে। একজন রাজা ছিল তাহার নাম ছিল আজ আমি তার দুইটি পত্নী দুইটি পত্নী মধ্যে এক ছিলেন গালিনী আর এক ছিলেন খত্রিয়ানী। খত্রিয়ানী গর্ভেতে নন্দ বাবার বাবা পরজন্য জন্মগ্রহণ করলেন। পরজন্য পরজন্য মানে কি মেঘ যে বর্ষা করে। আর একজনের যে ছত্রিয়ানী ছিলেন তার থেকে পুত্র হলেন তিনি, তার নাম হল সুরসেন। দুজন ভাই লাগলেন, একটি ছত্রিয়ানী গর্ভতীকে আর একজন বালিনীর গর্ভতীকে। তো ইয়ে দোনো ভাই লাগতে হ্যাঁ নন্দ। ইসকে বাদ মে পরজন্য কে পুত্র হুয়ে নন্দ মহারাজ, উপানন্দ, নন্দ, সুনন্দ, অভিনন্দ আর নন্দ, পাঁচজন পুত্র। আবার সুসেনের পুত্র হলেন বসুদেব মহারাজ, তাহা বড় ভাই লাগতেন উগ্রসেন, তিনি অন্য মাতা থেকে উৎপন্ন। তাদের সঙ্গে বেশ কুটুম্বগিরি ছিল। পরবর্তী কালেতে নন্দ থেকে হলেন কৃষ্ণ আর বসুদেব মহারাজ যে সুরসেনের পুত্র তার থেকে ওইখানে কৃষ্ণ এবং বলদেব হলেন। আবার এর মধ্যে বহু রকমের রহস্য আমি বারবার বলেছি। এইসব কৃষ্ণ কিন্তু আংশিক রূপেতে বসুদেব দেবকী গর্ভেতে ঐশ্বর্য ভাব ধারণ করে ওখানেতে আবির্ভূত হলেন। আর নন্দ ভবনেতে যশোদার গর্ভে থেকে জন্মলীলা প্রকাশ করে এক সময়তে যুগপথ দুজনের আবির্ভাব হল। ওইখানে আবির্ভাব এখানেতে জন্মলীলা ওখানে হলো কিরকম হবেতে। এখানে পূর্বে তাহারা বসবাস করতেন পরজন্য, কিন্তু তাহার পাঁচজন ছেলে হলেন, সব ছেলেদেরকে বিবাহ দিয়েছেন, সব লড়কো কি শাদি কর দি। নন্দ বাবা ভি কি শাদি যশোদা জি সে হুই, কিন্তু সবকো হোনে পর ভি সবকো তো পুত্র হওয়া চার ভাইও কো, কিন্তু নন্দ বাবা কো কোই পুত্র নেই। নন্দ বাবার কোনো ছেলে হলো না। অনেক দিন তিনি প্রতীক্ষা করলেন যে আমার কোন একটি নাতি হোক নন্দ বাবার ছেলে হোক। বয়স তার বাড়তে লাগলো, তিনি প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হলেন, 50 বছর প্রায় বয়স হয়ে আসলো, কিন্তু তার কোন পুত্র নাই। তখন এইখানে যে একটি বন আছে নিকটেতে তার নাম সে আশিষেশ্বর মহাদেব। আশিষেশ্বর মহাদেবের নিকটেতে ওইখানেতে তিনি প্রতিদিন স্নান করে আর ওই শঙ্করের আরাধনা করতে লাগে। আরাধনা করতে 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 শঙ্কর সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তো দেখলেন এই নন্দ বাবার নিত্য পুত্রই কৃষ্ণ। তখন আমার বলতে দোষ কি আমি বলে দিই? তখন তিনি বলে দিলেন যাহা তোমার নাতি হবে খুব সুন্দর,
আর জগতের মধ্যে সেটি প্রসিদ্ধ হবে, নারায়ণের সমান তাহার গুণ হবে, পরম সুন্দর, সকলকে আকর্ষণ করবে, তুমি কোন চিন্তা করো না। তখন সেই বর নিয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, এইখানে তিনি ফিরলেন। কিন্তু এখানে কেশির দৈত্যের যেরকম হতে অত্যাচার বাড়তে লাগলো এবং অসুরগণের অত্যাচার বাড়তে লাগলো, শেষ পর্যন্ত এখানকার গরুগর সব ঘাস চড়ে নিল। গলাদের তো চাই, গোপদের চাই ঘাস গরুর জন্য, আর খাবার জন্য জল চাই, আর তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই। এই জন্য কেশির দৈত্যের নানা প্রকারের সে অত্যাচার হতে লাগলো, কংস চর পাঠাইতে লাগলো, আর এদিকে দেখলেন যে সেখানকার ঘাস গুলি সব শেষ হয়ে এসেছে। অতএব বিচার করলেন, নন্দ বৈঠক, নন্দ বাগের তো আছে, ওইখানে বসে বিচার হলো যে কি করা যায়। তখন দেখলেন এখানে আর থাকা চলে না, আমরা চলি এখন যাই মহাবনেতে, ওইখানে নিকটেতে যমুনা নদী প্রবাহিত সুন্দর বন, বিশাল তাহার এরিয়া, তার নামই হচ্ছে মহাবন। গরুগুলিকে চড়বার জন্য প্রচুর ঘাস রয়েছে, কোন উৎপাত নাই, কিছু নাই, চলো ওখানে যাই। বিশ্বভানু মহারাজ তাহার মিত্র ছিলেন, তিনি বলছে বাবা তোমরা যদি যাও তাহলে আমিও সঙ্গে চলি। নন্দ বাবার ছিল কত গরু? 9 লাখ, আইনার ছিল 11 লক্ষ। সব প্রকারের নন্দ বাবা থেকে তিনি কমান হন বড়। এখন তারা দুজনই করে দিয়ে ইনি চলে গেলেন মহাবানেতে, আর উনি চলে গেলেন পাশেতে, তার শ্বশুরাল ছিল। তখন তিনি চলে গেলেন রাওলেতে, ওখানে থাকতে লাগলেন। কুছ সময় পরেতে, অল্প সময় পরে কৃষ্ণের ওইখানেতে প্রাদুর্ভাব হয়, ওইখানে লীলা প্রকাশ করে। এবং 15 দিন পরে শ্রীমতী কৃতিকা সুন্দরী গর্ভেতে শ্রীমতী রাধিকার জন্ম হয়, অথবা কমল পুষ্পেতে, যেরকম আমি বর্ণন করেছিলাম ওখানে রাবলেতে যমুনা স্নান করতে বিশ্বভানু মহারাজ রাধিকাকে প্রাপ্ত হয়, উনকো রাধিকা কো মিলি আর উনকো লেকর কে উনকো দে দিয়া কৃতিকা জি। অব ইয়ে 15 দিন কি ছোটি বড়ি হ্যাঁ লীলায় ফির সব ভুলে। ফির ওহাঁ সে জব দেখা যে পুতনা আর তৃণাবর্ত সকটাসুর ইয়ে সব উৎপাত করনে লগ গে, যমলার্জুন ভঞ্জন হুয়া, উসমে ভি কৃষ্ণ কে বিপত্তি কি বাতেন হুই, সোচা যে অব ইহাঁ নহীঁ রহনা হ্যায়, বস ওহাঁ সে গায়ো কো লেকর কে আপনে পুরে পরিবার কো লেকর কে কৃষ্ণচন্দ্র জি কো পিতা নন্দ বাবা চলে গে ছত্থিকারা মে, ওই পর আপনা বনায়া নগর বসায়া, গাড়িও সে নগর চলতা থা, ব্রজ মানে কি ব্রজ, ব্রজতি ইতি ব্রজ মানে চলতি, চলতা হ্যায়, গাড়িও পর লে লিয়া সামান, গাইও কহাক দিয়া, বছড়ো কো লে লিয়া, পরিবার কে সাথ মে চলে গে, যহাঁ গে বস ওহাঁ পর ঠহর গে। इसी तरह से ये सब गोकुल है, इसका भी नाम गोकुल है, जहां जहां गायों को लेकर के गोकुल, कुल माने समूह, गायों को लेकर के गो, गायों को गो माने गो वत्स, गो माने गो, गो माने गोपी, सब लोगों को लेकर के चलते थे। तो कृष्ण छत्तीकरा में पहुंचे और वो पासी में राल ग्राम में फिर वहां पर पहुंचे, फिर वहां से राधा कुंड इत्यादि पास में रहे, फिर वहां से काम्य वन को आए, शेरगढ़ जिसको अभी कहते हैं खेलन वन, राधा जी कृष्ण वहां पर भी कुछ दिन रहे, और फिर लौट करके जब आए तब उस समय उनकी उम्र पौगंड उम्र हो गई थी। पौगंड माने 5 से लेकर के 9 वर्ष के 10 वर्ष के अंदर में जो उम्र होती है उसको पौगंड कहते हैं। पहला बचपन यहाँ पर जन्म हुआ वहां, और पौगंड उम्र में फिर 8 वर्ष से, और 11 विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उनके एक एक दिन का हिसाब दिया है श्रीमद् भागवत की टीका में, कहां पर कैसे रहे,
कौन कौन सी लीला कौन कौन सी तिथि को ये भी वर्णन किया गया है। विशेष जानने के लिए श्रीमद भागवत की टीका देखें। फिर यहाँ पर आकर के गोपाष्टमी अब आने वाली है। हम लोग गोपाष्टमी को यहाँ आते थे, गोपाष्टमी दिने हमारा एखने आस्तम गोपाष्टमी को यहाँ पर बड़ी भारी सुंदर रूप से प्रोसेशन लेकर के गोप लोग गायों को लेकर कृष्ण और बलदेव गोचारण करने के लिए जाते हैं। पहले दिन जसोदा जी यहाँ पर तरह तरह से कृष्ण का श्रृंगार करती हैं, मोर मुकुट पहना देती हैं, ब्राह्मण लोग स्वस्ती वचन वाचन करते हैं और मुश्किल से उनको छोड़ती हैं। जब जाती हैं तो बहुत दूर तक उनको पहुंचाने के लिए जाती हैं। अनेक दूर पर्यंत तो जसोदा मां नंद बाबा आप ब्रजवासी उन्ना के लिए दिए दिया से कृष्ण शपथ करते हैं, मैया तू लौट जा, पिताजी आप लौट जाए। फिर उनको लाल लड़ा करके आशीर्वाद दे करके और तब फिर उनको छोड़ते हैं। बलदेव जी प्रतिज्ञा करते हैं, मैं इसकी सब प्रकार से रक्षा का भार अपने ऊपर में लेता हूं। जसोदा जी की एक दासी थी, उसका पुत्र, वो सब समय तपस्या करती थी। जो हमारा लड़का एक ऐसा पैदा हो बलवान जो कृष्ण की सब समय रक्षा कर सके, ऐसा ही उसको पुत्र हुआ। वो कृष्ण से बड़ा हुआ, कृष्ण के तरह तरह के सखा हैं, कोई सखा कोई प्रिय सखा कोई प्रिय नर्म सखा कोई सुहित सखा, ऐसे सब सखा है। इसका भी बड़ा रसमय विभाग है। प्रिय नर्म सखा उनके गोपियों से मिलन में भी उनका संग देता है। ऐसे सखाओं में सुबल सिदान मधुमंगल इत्यादि लवंग इत्यादि है, स्तोप कृष्ण है। सखा लोग उनसे छोटे हैं तम उम्र में और उन कृष्ण की चरणों की सेवा करते हैं। जब जब कोई जरूरत होती है गैया को हाँप करके लाते हैं। बस सब सखाओं को लेकर के गोचारण करने के लिए यहाँ पर जाते हैं प्रतिदिन। और प्रतिदिन जब आते हैं लौटते हैं तो अट्टालिकाओं से गोप रमणिया उनका दर्शन करती हैं, कई कुंज से दर्शन करती हैं। इस प्रकार से सब लीलाओं का यहाँ पर ये सब लीलाएं संपन्न करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के गोविंद लीला में और विशेष करके गोपाल चंपू इत्यादि में जी गोस्वामी का वर्णन है। कहाँ पर रंधनशाला थी, नंद जी का रहने का घर कौन, जसोदा जी का घर कौन सा है, बलदेव जी रोहिणी को लेकर के मैया के साथ में कहाँ रहते थे, यह सब का बड़ा सुंदर वर्णन है। रसोई घर के पीछे सुंदर बगीचा है जिसमें तरह तरह के कदम संभाल और तरह तरह के फूल फल वाले वृक्ष हैं। उधर भी दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है, रसोई घर बीच में है। रसोई घर से एक तरफ में कृष्ण जी का घर और बीच में एक स्थान है जहाँ पर की श्रीमती राधिका जी रसोई करने के बाद में जब क्लांत हो जाती है तो उसमें आती हैं, वहीं से राधा कृष्ण का दर्शन होता है। इन सब लीलाओं का यहाँ पर वर्णन है। हम लोगों का परम सौभाग्य है ये ऐसे जगह में हम लोग आए हैं। हम लोग हमारा बृहस्पति सहकार्य का धूली हमारा मस्त कहते धारण कर दिए। नंद बाबा, जसोदा मैया, कृष्ण, दाऊ जी, रोहिणी जी सब परिकरगण के प्रणाम कर दिए। तापर एक हंती के हमारा कर्म सब नीचे जाओ अपना रेखी काज करवा निखान का पांडा खूब सुशील हमा दे। गरीब लोग अल्प वैसे से थी परलोक गमन करेगा तहरा एक तो असुविधा तैयार है। अपना जब किंचित कुछ कम से कम एक टाका तो अवश्य ही दो टाका दीते पड़ता भाव आर ना दिले कोथा दीबे कहाँ देंगे आप लोग। इसलिए पंडा जी के लिए जरूर कुछ आप लोग यहाँ पर एक रुपया दो रुपया पांच रुपया जैसा भी आप लोग हो सके यहाँ पर और बरसाना में ये दो जगह पंडों का है। इसके बाद में तो हम लोग मथुरा जाएंगे फिर देखेंगे। इसलिए पंडित को देना चाहिए कुछ दान भी तीर्थ यात्रा में होना चाहिए। इसलिए आप लोग सब पंडित जी के लिए कुछ कलेक्शन करके दे दें, हम लोग इन्हीं पर उनको दे दें। गौ प्रणाम। ये स्थान है उद्धव क्यारी, यहीं पर गोपियों के साथ में उद्धव जी मिले थे। अभी हम लोगों का कीर्तन बंगला में बड़ा ही सुंदर सरस कीर्तन है। भावपूर्वक की कीर्तन करने से ऐसा कोई भी पत्थर तक भी नहीं होगा जो पिघल नहीं जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं, बंगला जानने वाले लोग तो कीर्तन से ही समझ गए, जो कि हिंदी जानने वाले हैं उनके लिए कीर्तन का थोड़ा सा भाव मैं बतला रहा हूँ। हमारे छह गोस्वामी थे, रूप सनातन,
जीव गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट, रत्नाथ भट्ट, ये छह गोस्वामी थे। उसमें से ये रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उन्होंने ये पद लिखा। कभी राधा कुंड में हा राधे हा राधे हा राधे कर, कभी श्याम कुंड में उनकी हृदयेश्वरी आराध्या देवी राधिका थी। वो तो कहते हैं कि मुझे ब्रजवास से कोई लाभ नहीं, हमें राधा कुंड में रहने से भी कोई लाभ नहीं, हमें कृष्ण से भी कोई जरूरत नहीं है यदि राधा जी की कृपा नहीं हो गई। आशा भरई अमृत सिंध मयी कथनचित काल उमयाति गणिता शांतम ही त्वंचेत कृपा मई विधास्य नैव किन्मे प्राणे ब्रजेन बरोर बकारिणापि। कृष्ण से मुझे जरूरत है, कृष्ण संग अमर कोनो दरकार नहीं। राधा कुंड थे के लाभ की, वृंदा बनते अमर थे के लाभ की यदि राधा रानी कृपा ना हो। एजन कखनो राधा कुंड, कखनो गोवर्धन, कखनो नंदगांव, कखनो ए स्थाने ते गड़ागड़ी दी थे, पागल होकर के मत तो करके कभी यहाँ लौटते थे, कभी वहां लौटते थे, खाना पीना सब कुछ भूल गए। अब राधे प्रेममयी कोथाए गो राधे, कोथाए गो राधे, यही सब बोलते थे। उन्हों का जीवन चरित्र ही राधे जीवन चरित्र कृष्ण परमे थे, राधा रानी भावे थे विभोर, कोथा आत्मा के मी पावो, यही भावे थे। कीर्तन करते हैं, यही कीर्तन भी किया। कीर्तन में वर्णन किया जी कभी गोसाई राधे राधे नाम उच्चारण करने के लिए रा रा कह करते, बस बाबे में मूर्छित तो गया, धार शब्द उनसे निकलता नहीं था और जमीन में लोटने पोटने लगते थे। ये स्थान में भी आए रूप सनातन जी, आए रघुनाथ दास गोस्वामी लोग, आए चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में आए, नित्यानंद प्रभु जी इस स्थान में आए, यहाँ की चरण रज अपने सिर पर रखा। वृंदावन में इस स्थान का एक विशेष महत्व है, यही वृंदावन एक विशेष धार महीना, यही तो बुझते पर खाने के आस पे कौन आएगा यहाँ इस जंगल में। कृष्ण के समय में भी यहाँ पर कौन आता, उद्धव जी तक नहीं देख सके इस वन को, और अब कोई भी ब्रजवासी लोग नंदगांव के भी इसमें इस नहीं आते थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था ये सब कुंज। आज से हम लोग पहले 40 वर्ष पहले गुरु जी के साथ इस वन में आए, और उस समय में यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे कदम्ब के वृक्ष क्यारियां लगी हुई थी, क्यारी को तो बोली छिलो सब, हजार हजार वन ये कदम्ब के वृक्ष उनके फूलों से सुगंध से भरपूर हो जाता था। इसमें मयूर नाचते थे, कोकिल बोलती थी इसमें। धीरे धीरे अब देख रहे हैं कलयुग है, उनके बदले में ये सब बबूरों का पेड़ बन गया, बावला वृक्ष बने गए, सब गाछ कुल अंतर ध्यान हो गए, क्रम क्रम साधु संतरा अंतर ध्यान हो आश्चे। बहुत कम अब साधु संत लोग विशेष करके इस भाव वाले इस ब्रज में भी यार कहीं भी है, बहुत कम है, हैं किंतु बहुत कम है। इसी जगह में कल मैं बतला रहा था, शाम को विकाल बेला में एकम करी कथा बोलते छिलम, श्रीमती राधिका जी यहीं कमल के सेज पर, कमल फूलों की सेज पर सोई हुई हैं, कमल पुष्प सजाते सोया थी, और चंदन में कस्तूरी मिला दी गई, और जो जलता है कर्पूर इत्यादि दे दी, और शीतल सुशीतल बन गया, राधा जी के अंगों में लगा दिया, कांचन पुतलिका है मैंने सोनार जने जरकम गोलिये दे, और मने तो खूब पतला सूक्ष्म एक बिछाना ऊपर सुया छे, कमल पुष्प गुलिये कबरे थे चुरमार हो गए, चंदन गुलिये कबरे सूखे गए। दूर थी के वही दिख दिए उद्धव के गोपी गण एक खने ते प्रवेश कराई, प्राण आछे कि ना आछे जाने, सही समय ते ताके निकटे बसिए दिलो सब गोपीगण, इन्हीं भाव नेत्र दर्शन कर छेन कौन कृष्णचंद्र के मथुराते आछे की कर छेन, हमारे के ते छेड़े गए छे,
আর ওখানে যদুরমণিগণ কে নিয়ে লীলা ইত্যাদি বিলাস করছে। এই সঙ্গম ধ্যানতি সঙ্গমম, কৃষ্ণের এই সঙ্গটা দর্শন করে তাহার মহাভিমান হয়ে গেল। ওই সময়তে একটা ভ্রমর এখানে আসলো, শ্রীমতী রাধিকার পাদ পদ্মকে কমল জ্ঞান করে দিয়া তাহার কাছে গুঞ্জার করতে লাগে, মনে যে কমল ফুল তার মধ্যে প্রবেশ করে যাই। সেই সময়তে ওই মহামাননী মহাভাবেতে অভিভূত বদনাক্ষ ভাব সঙ্গে যুক্ত শ্রীমতী রাধিকা চোখ বন্ধ করে দিয়ে চোখ থেকে জল পড়ছে অল্প, আর তিনি বলছেন দুধ মতপকিত বন্ধ মাস বিষাঙ্গী শপথ্যা, মধব তুমি মধুপান করে দিয়ে মধুপুরী থেকে মধুপতির ওখানেতে আর তুমি এখানে এসেছ। মধুপুরী কোথায়? যেখানে মধু মানে মদ, মদ তৈরি হয়, সে হচ্ছে মধুপুরী। আর ওই মালিককে দোকানের মধুপতি মানে কৃষ্ণ, সেইখানের থেকে তুমি আসছ, তোমাকে পাঠিয়েছে। তুমি মদ্যপ নীতিটি জানো না, কার কাছে কিভাবে জানতে হয় পাগলরা বুঝে না, তো ওইরকম হয় ও যেরকম কৃষ্ণ তাহার দূত সেই রকম তুমি। যে আমি স্বামিনী, আমি কি ভুল করেছি? আমি মত কোনদিন ছুই না, মিথ্যাবাদী, তোর প্রভু এরকম মিথ্যা কথা বলে আর তুমিও এরকম মিথ্যা কথা বলছিস, আমি কি জানি না যে তুমি মদ খেয়ে এসেছিস? তোমার চেহারা বলছে, তোমার চোখ বলছে, তোমার ভাবভঙ্গিমা বলছে, কি বলছে, তুমি মদ খেয়েছিস। প্রভু আমাকে স্বামিনী এরকম বলবেন না, আমি মদ তো ছুই নাই কোনদিন জন্ম। আচ্ছা বলতো তোমার গোঁফেতে এই লাল লাল কুমকুম কোথা থেকে আসলো বলতে পারিস? যে কই আমার তো কুমকুম তো নাই, এই যে তো লাল আর হলুদ মিশিয়ে তোমার এখানে এসেছে। বলি আমি যে তুমি জানো যে কি, আমি বলে দি, এই আমাদের সৌতগণ আছেন বৃন্দাবনেতে, মথুরাতে। সৌত মানে কি? সমারি সঁতে হ্যাঁ, উহা বাংলাতে কি বলে, সতী। আর এক পতি কি দো পত্নিয়া হতি হ্যাঁ, তো পরস্পর উসকো ক্যা কহতে, সৌত কহতে হ্যাঁ ইধর ভি, তো সৌত হমারি সৌতিনো কা। উহাঁ সে বো আপনে শ্রী অঙ্গো মে কুমকুম লগাতি হ্যাঁ, আর কৃষ্ণ নে উনকা আলিঙ্গন কিয়া, আর বো কুমকুম মালা মে লগ গয়া, আর তু উসি পর বৈঠা, আর বৈঠ করকে আপনে গুফা মে লগা লিয়া, গুলফো মে, আর উসকো লেকর কে হমারে মানানে কে লিয়ে আয়া হ্যায়। ইসে দেখ করকে তো হমে অর মান হো জাতা হ্যায়, চলে যাও, নাই হমনে এসা দোষ নাই কিয়া, আপ হমে ক্ষমা কর দিজিয়ে, হমারা কুছ ভি দোষ নাই হ্যায়। দোষ কি বাত নাই কহতি, তুম তো মদ্যপ হ্যায় না, মাদ পি করকে আয়া, মথুরা মে যাও। আরে উনহোনে তো হমকো ভেজ দিয়া, তো যাও যাও, উনসে কহনা আপনে প্রভু সে, আপনা প্রভু নিকটে বোল, যা মথুরাতে বহু সম্মানিনী মে আছে রমণীগণ লক্ষ লক্ষ, যদি এক এক দিন এক এক রমণীগণের মান ভঙ্গ করে তাহলে তাহার বছর বছর বিতে যায়। আর তুমি ওখানে যে যখন ওরা প্রসন্ন হবে তোমাকে প্রচুর মাত্রাতে পুষে দেবে, এখানে আমাদের নিকটে তাহার এইসবগুলি বর্ণন করে আমার কি লাভ হবে? তুমি চলে তথাপি যায় না, মন মন করছে। আচ্ছা পশু হয় চার পায়ে, মানুষ হয় দুই পায়ে, আর পশু হয় চার পায়ে, পশু চার পায়ের কা হতা হ্যায়, মনুষ্য দো পায়ের কা, আর যদি ছ পর কা যদি কোই জানোয়ার হো গয়া তো ও কেসা হোগা, পশু সবই মূর্খ। তো তুমি ছয় পদে, ওরা ভ্রমর হচ্ছে ষট পদে, তুমি ছয় পদে, অত তুমি মূর্খের মূর্খ মনে হয়? তুমি যা মথুরাতে ওখানে পাবে, এখানে কি পাবে? আমরা কাঙ্গালিনী দেবার কিছু নাই, ওখানে তারা রাজ রানী সবগুলি, এক এক থেকে এক একটি পটরানী, ওখানে তুমি যা চাইবে সবগুলি দিবে। আমার প্রভুর আপনি নিন্দা কেন করছেন? আমি নিন্দা আমি করছি? আমি সত্যি সত্যি বলি, আমরা তার তাকে দেখতে চাই নাই, তার সঙ্গে প্রীতিও করতে যাই নাই, জোর করে প্রীতি করিয়েলে যেরকম হবেতে যেখানে কমল পুষ্প থাকে
कि कोनो पुष्प थाके भ्रमर राव खने जाए मधुपान कर लो अन्य पुष्पे ते चले जावे आबार अन्य पुष्पे एदेर कारो संगे मित्रता होय नाय तुम्हार प्रभुरो ताई आमादेर संगे कारो थार मित्रता बंधुत्व नाय तार एई स्वभाव आज के एक लोगों संगे प्रीति काल के अन्य लोगों संगे प्रीति आमार आर तार सेई रकम है प्रीति चाहिए तुम्ही चले जाओ सामनी एरकम है आपनी निंदा तार के करछेन তার তো কোনো দোষ নাই, তিনি তো আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে। তোমার প্রভুর কতগুলি কথা বলবো, এই জন্মে নয়, শুনি যে তিনি ভগবান। আমরা কালো লোকের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রীতি নাই, পূর্বপূর্ব জন্মেতে শুনি যে সে একটি রাম রাজা ছিল, সেটি তোমার মতনই কালো। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমি এক পতিব্রতধারী, মানে একটি মাত্র পত্নী সঙ্গে আমি থাকি, আর কোন পতি করি। কিন্তু এইরকম ভাবে কামি যে বনে গিয়েছে, বনে থাকে নিয়ে গেছে তার পত্নীকে, এমন এমন কেউ করে না। পত্নীকে ঘরে রেখে দেয়, ভালো করে থাক, সে বেটা মানে নাই, চল তুমি বনেতে, বনে নিয়ে গেল। আবার সেই পত্নীকে প্রসন্ন করাইবার জন্য চব্বিশ ঘন্টা তার সঙ্গে থাকে। ইতিমধ্যে রামনের বোন পরমা সুন্দরী রূপ ধারণ করে আর তাকে দেখে লুব্ধ হয়ে গেছে, বলে যে আমি আপনাকে এই শরীর সমর্পণ করলাম, তোমাকে আমি পতিরূপে বরণ করছি। তখন সে কি বলল, আমার ছোট ভাই বিবাহ হয় নাই, সেটি মিথ্যা, লক্ষণ তখন বিবাহ হয়ে গেছে, লক্ষণের বিবাহ কি বানে, তার তুমি তার কাছে যাও, আমার তো এই সঙ্গে স্ত্রী আছে। লক্ষণ কাছে গেল, লক্ষণ বলছে আমি তো দাস, তাহলে তুমি কি দাসী হতে চাও না রাজরানী? তাহলে রাজরানী যদি হতে চাও, তাহলে আমার বড় ভাই দাদা আছেন, আমার বাবা 360 মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন, তো ইনি দুটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করলে কি ক্ষতি, তুমি যাও তাহার নিয়ে। তাই তো মনে করল সরল ভাবেতে, মেয়েটি সরল ছিল। তারপরে ওখানে আবার সে গেল রামের কাছে, রাম বলেন যে সে তোমাকে ঠাগাচ্ছে, তুমি তার কাছেই যাও। আবার তার কাছে গেল, সে আবার ফের রামের কাছে পাঠাচ্ছে, তখন তার হয়ে গেল রাগ। তখন সেটি কি করলো, বলে যে এই মেয়েটি হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া, এই মেয়েটাকে যদি আমি খেয়ে ফেলি তাহলে আর দুজনই আমার সঙ্গে বিবাহ কর। তখন যে সীতাকে ধরতে গেল, রামচন্দ্র ইশারা করে দেন তার নাক আর কানটা কেটে দিল, এটা তার কার্তিক ছিল। আরে কামি পুরুষ, আবার ওই স্ত্রীর জন্য আবার ওর নাক কান কেটে দিল, নাকাতে বুঝিয়ে দিত যে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ করবো না। নাক কানটা কেন কাটলো, এমন নিষ্ঠুর যে আর ভবিষ্যতে তার সঙ্গে কেউ বিবাহ করবে না, এমন কুরূপ করে দিল। ওই তো আর বানর কেউ খায় না, বানর কেউ খায় না মেরে দিয়ে। বানর মানে নরের মতন, তাহার ওদের মানুষ মানুষের মতন, তার কেউ শিকার করে না। আর ওই কালো পুরুষ কপটি ধূর্ত, সেটি কি করলো, বালিকে বিনা কারণে বধ করলো, আর গাছের আড়াল দিয়ে তাকে মারলো বান। সে কি দোষ করেছিল, আরে সেই দোষ তো করেছিল সুগ্রীব, সেই দোষ করেছিল বিভীষণ, তা তাহারকে মারলো না, আরে একে মেরে ফেললো বানরকে একটা, এটা তো উচিত হয় না। আর জানো কি, এই কালো শুনি একবার বামন দেহ হয়েছিল, মা ধূর্ত, ধূর্তের শিরোমণি বামন ছিল বড়, আর রূপ ধারণ করলো ছোট বামন আঙ্গুলে, বলিকে ঠগিয়ে নিল। কিরকম ঠগিয়ে নিল, যেরকম একটা ঝুড়িতে কেউ মালপুয়া টোকরি নিয়ে যাচ্ছে ঝুড়ি, আর কাগরা সেইগুলি খায় আর ঠুকরায় যে নিয়ে যায় তাকে, এইরকম হয়ে এউটি কি করে, সেই তার কাছে সব রাজ্য নিয়ে নিল, সব কিছু নিয়ে নিল, তাকে আত্মসমর্পণ করিয়ে নিল, আর তাহারকে বাঁধে কি নাক পাশেতে বেঁধে ব্রহ্মাস্ত্রে বেঁধে দিয়ে আর সেইখানে ফেলে দিল। ওই তো ব্রহ্মা আর প্রহ্লাদ মহারাজ এসে তাকে ছাড়িয়ে দিল।
এমনই সে তীর্থ। আমাদের তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না, তুমি যাও। কালোর সঙ্গে আর কোন আমাদের সম্বন্ধ নাই। তখন বলছে ভ্রমর মানব রাধিকা রানী ভাব নেত্রেতে বুঝছেন, তখন তিনি বলছেন কর দিয়া কৃষ্ণ তো এসে নেই হ্যাঁ, তো উনকা চরিত্র ভি কহনা ছোড় দো, উনকা নাম ভি ভুল যাও, উনকি বাত মত মন মে লাও, তো ইহি তো হম লোক নহি কর পা রহে। হম চাহতে হ্যায় কি উস ঘাট কে তরফ মে নহি দেখে জিস পর ও জাতা হ্যায় যমুনা কে কিনারে। হমারি নাক উসকে গন্ধ লেনে কে লিয়ে সব সময় রহতি, হমারা মন সবই উনহি কি চিন্তা করতা হ্যায়। এক বার ভি কিন্তু হম জানতি হ্যায়, এক বার ভি উসকা যদি কান মে নাম পড় যায়, উসকি লীলা কথা কাম মে পড় যায়, তো আদমি কেসা বন জাতা হ্যায়। স্ত্রী পুত্র পরিবার সবকা স্নেহ মোহ মায়া মমতা কথা কর, আপ লোক ইহা পর কিস লিয়ে জঙ্গল মে ধুল ফাঁকনে কে লিয়ে আই, ক্যা জরুরত হ্যায় আপ লোগো কো ইহা আনে কি, রুপিয়া ভি খরচ করতে হ্যায় রোনে কে লিয়ে আতা, কোই রোনে কে লিয়ে রুপিয়া খরচ করতা হ্যায়, ক্যা জরুরত হ্যায়, কোই আমেরিকা সে আ গয়া, কোই ইংল্যান্ড সে আ গয়া, কোই কহাঁ সে আ গয়া, কিস লিয়ে, ইয়ে বেচারো দেখো তো ইংল্যান্ড সে আ গয়া, ও ভি ইংল্যান্ড সে আ গয়া, ও ভি ইংল্যান্ড সে আ গয়া, কোই অর ভি আয়ে হুয়ে হ্যায়, কোই বঙ্গাল সে আয়া, কোই কোথা, কিস লিয়ে, ক্যা জরুরত হ্যায় ইহাঁ পর ধুল কে আতরি, পানি খারি অর অর বোলি সারি, বোলি সারি গালি, গালি বলো কি গালিয়া, লঠধার কে বলতে হ্যায় সব লোক, ইহাঁ আনে কি ক্যা জরুরত, পেশে গোপিয়া কহতি হ্যায়, এক বার যদি কানো মে নাম পড় গয়া তো ঘর সে বহুয়ে নিকল জায়েঙ্গি, আচ্ছে আচ্ছে লড়কে সব অপনি পত্নি অর পুত্র অর সবকো ছোড় করকে নিকল আতে হ্যায়, আর ভিক্ষা মাং করকে জীবন নির্বাহ করতে আপনি ভি রোতে হ্যায়। ইসলিয়ে হম লোক পহলে নহি সমঝি, আব সমঝ রহি আপ কুছ ছোড় চাহনে সে ভি যে ছোড় দু নহি ছুটতা হ্যায় বোনা। ফির গোপিয়ো কো কুছ অনুসন্ধান রাধা জি কো হুয়া, মানে ইনকো বহুত উৎকারা, বহুত কুছ গালি গালোজ ভি দি, কিন্তু উনকা সমাচার কুশল পুছা নহি। তব ফির পুছতে হ্যায় অপি অত मधुपुर या आर्य पुत्र उथुनास्ते, आर्य पुत्र हमारे गुरुकुल से पढ़ करके आ गए, कहाँ पर हैं? ओहो क्या कभी भी स्मरति सती त्रिज्ञा अपने सखाओं को कुछ सोचते हैं, जो हमारे सखा लोग सुदाम सुबल कहाँ है, हमारी सबली कालिंदी धवली ये सब गायें कहाँ हैं, कभी सोचते हैं उनके बछड़े कहाँ हैं, नंद बाबा जसोदा मैया अंधी हो गई कि क्या हो गया, सभी आदमी सबको भूल सकता है, हमसे तो उनकी कोई शादी नहीं, हम लोग तो उनसे कोई संबंध नहीं थी, अरे नंद बाबा पिता और मैया इनको तो कोई भूल नहीं सकता, ताके क्यों भूलते, से ताके भूल दी थे, स्मृत सपित्री की हान बंधुश्च गोपान भुजम अगुरु मूर्धन्य दास, तो क्या दशास्त्र में कृपण आया कहते हैं कि ओहो अच्छा कृष्ण कभी भी भूल करके भी हमारा स्मरण करते हैं, क्या स्मरण करते हैं, यहाँ की मथुरा निवासियां रमणियां इतनी सुंदर रसोई बना करके हमें खिलाती हैं, आरोगती हैं, मत वहाँ वृंदावन वाली की तो ग्वालियर एकदम जानती ही नहीं, कभी इस रूप में भी कहते हैं हमारी सज्जा गोपियां जैसी सुंदर बनाती थी, ये लोग उतना कर नहीं पाती हैं, इस रूप में प्रशंसा भी करते हैं, कभी कभी हम उनके साथ में मिले थे उसकी चर्चा कभी चलाती हैं, चलाते हैं वो कृष्ण, ओहो अपने अत्यंत सुगंधित अग्रु जैसे सुगंधित अपने हस्तमल को हमारे सिर पर वो कब रखेंगे, ऐसा कहते 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 वो फिर मूर्छित हो गई और फिर उठी नहीं, उद्धव जी भाव में देख करके तन्मय हो गए। तब वो कहते हैं आशाम हो चरण रेणी जुशाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल्म लताओ सधी नाम जह दुस्सजन स्वजन आर्य फसन चहित्वा भेजे मुकुंद पदवीं चरण, कहते हैं आशाम हो चरण रेणी जुशाम हो, हमारा परम सौभाग्य जीवन का होगा, हमारे जीवन में परम सौभाग्य होवे यदि एक वृंदावने विशेष करे यही स्थाने उद्धव क्यारी একটি ধুলিখানা আমি যদি হতে পারি কোথাকার এই ব্রজের এই স্থানে, উদ্ধত থাকেন তিনি মথুরাতে, বলছে সে এখানকার ধুলিখানার অভিমান যে কৃষ্ণ আমার, সে ওই কৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্র নন্দন গোপিকা কান্ত
सिर्फ राधा कांत इंद्रपति हमार अभिमान की एक तो हो से कृष्ण हमार हमार जनो यही अभिमान हो किसे होवे वैष्णव पद धूलि आर भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भुक्त भक्त शेष यही तीन साधन निर्बल हमारे साधन में तीन चीजें बड़ी बलवान है जो हमको भगवान की तरफ ले जा सकते गुरु और वैष्णव की चरण की धूलि चरणेर धूलि आर चरण धौत जल चरणामृत वैष्णव गणेर भगवान चरणामृत थी वो भक्तगणेर जल पद दल विशेष प्रभावकारी बलकारी आर भुक्त भक्त भक्त भुक्त शेष वैष्णव के मुख से उशिष्ट गुरु जी के मुख से जो उशिष्ट है उशिष्ट दो प्रकार का कथामृत और महाप्रसाद ये तीनों चीजों का किसी प्रकार से संग हो जाए तनिक भी संग हो जाए तो जीवन हमारा कृतार्थ हो जाएगा हमारा वही प्रेम ताल देते पारी उद्धव बोलते जैसे आर तो कुछ संभव हो ना यदि गोपी गणेर पद धूली यदि हमारे मस्तक यदि पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए आर बोलते वंदे नंद ब्रज स्त्री नंग पाद अभिक्षण हरि कथोद गीत पूर्णात भुवनात गोपी गणेर लक्ष कोटि गोपीगण तादर एक टी गोपी एक टी चरणेर एक टी धूलि के यदि आमी वंदना करते पारी ताहले हमार जीवन सार्थक हो जाए एक टी धूलि कणा के आमी वंदना करते गोपियों की चरण लाखों लाखों गोपियों की चरण धूलि में से एक गोपी की एक चरण धूलि की यदि मैं वंदना कर सकूं तो हमको गोपी भाव आ सकता है इसका अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं जिनकी कथा विश्व ब्रह्मांड को एक सेकंड में पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है ऐसे उनकी चरण धूली है गोपियों की चरण धूली ऐसे गोपियों की चरण धूली की मैं वंदना करता हूँ ये गोपियां हमारे ऊपर में प्रसन्न हो या धाम हमारे ऊपर में प्रसन्न हो आप सब लोगों के ऊपर में या धाम कृपा करें और उनकी वंदना करने वाले उद्धव जी भी हम लोगों पर यहाँ पर कृपा करें जिसके नाम से उद्धव प्यारी है हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाए और हमारी परिक्रमा का आने का सफल हमारा जीवन हो यदि एक भाव यहाँ से एक बिंदु लेकर के गए हमारा एक खनकार एक भाव बिंदु यदि कना लेते पारी जीवन सार्थक हो जाए अन्य संप्रदाय लोग एखने आसन में अन्य कोई संप्रदाय का लोग उनसे अलक्षित ये सब स्थान है महाप्रभावशाली और जगत के श्रेष्ठ स्थान है ये सब ब्रज में भी श्रेष्ठ स्थान है महाप्रभु इसी भी प्रलम्ब रस का आस्वादन करने के लिए जगत में आए थे और यहाँ आकर के दिन रात रोते रोते बेहाल हो जाते थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से स्थान में आते थे ऐसे देव दुर्लभ परम दुर्लभ स्थान में हम लोग आए हैं यहाँ की चरण धूरी अपने सिर पर लेकर के हम लोग क्रमशः चलेंगे আমরা বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করছি আমি ধাম বাসীগণে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার দেশ ওরে বৈষ্ণব চরণ রেণুগায় মাখি ধরিয় বধূত বেশ এবার ব্রজের পথে পথে চল গৌর হরি একদিন কোন একটি গোপী দধি মক্খন নিয়ে যাচ্ছে আর শ্যাম সুন্দর নে সখাও কে সাথ নে উসকো ভেজ লিয়া দধি কা দান মাঙ্গনে লগ গে তরাইয়া পড়ে মহারাজ আরে না হ্যাঁ পড়ে বস দেখ লিজিয়ে एक तो अभी का दान अभी हो रहा था तो उनकी हड़िया लूट गई आप देखिए वहाँ पर देख रही है ना कृष्ण खाने थे प्रतिदिन ऐसे दलबद्ध है यही खाने थे थकते একটি লোক আর পার যেতে পারে এদিকে দেখুন গৌর রঙ্গ
और एक दिया देखो और इधर है श्याम रंग। कृष्ण यहीं पर आकर के खड़े हो जाते और गोपियों से तकरार होती, गोपी गणों संगे खाने ते बात विवाद होतो, इन्हीं दान मांगते उन्हीं बोलते ओरा बोलते ये किसर दान, आज पर्यंत तो कोनो दिन हमारा दान दी नहीं, आज तुम आके कोनो दिन दान लेते हमारा देखी नहीं, इतना नतून रिवाज के नो एटी अमार भूखंड अतः एक खाने तीके जेते गले ही दान लागे, मुझे तुम्हार किसे ए निये खूब बात ही बात होतो, एकदिन कोनो गोपी के धरे छेन आ धरे तहां के बोले छेन जे तुम एखने दान दिए जाओ, मुझे से आमी दान दिबो ना, ए निये खूब तहार संगे धरा धरी इत्यादि होलो। तखन कृष्णचंद्र धरे तहां के तार दधि इत्यादि लुटे निये छेन आ तहार मस्तक ऊपर एक है ऊपर थी के ढेल मेरे दिए छेन, गोपी एकबारे दधी ते स्नान करे गेलो माखनेते, तखन ओई गोपी श्रीमती राधिका के बोलें ये कृष्ण प्रतिदिन एई रकम होते लुटा लुटी दधी करे, कृष्ण ऐसे ही प्रतिदिन करते हैं, बस ललिता सखी को कहा राधा जी ने आज कृष्ण को किसी रूप में दुरुस्त करना है, कृष्ण के आज के दुरुस्त करते हवे, ए जन्नतिनी की कर लें अनेक गुली गोपी गणेर दल ए कुंजे थे लुकिए दिलें श्रीमती राधिका, ए दिगे विशाखार दल ओ दिगे ललितार दल ए दिगे चित्रार दल चारू दिगे दे तारे घेरे लुकिए थाकलो, आज के जदि श्याम सुंदर जदि आसें और एकटू जदि बदमाशी करें तले आज के तारे कमरा अच्छा करते एमन भाव सिखिए दिबो जे आर जन्मे ते तिनी नाम लिबेन ना दधि लुटवा। कृष्णचंद्र मने करछेन जे से आज के गोपी कोनो एकलाई आसबे आर तापरे तहां काम ये रकम है दधी लुटबो, गोपीराव पूर्वे थी के प्रस्तुत आछे पहले से ही प्रस्तुत है वो गोपियां, जबकि वो दधी लेकर के आज एक गोपी आई पहले से उनमें था, यदि तुमको कृष्ण कुछ लूटे फूटे और तुमसे तकरार और झगड़ा करें तुम्हारे संगे यदि कोनो रकम तकरार बाद विवाद करे तुम भीषण बाजी दिवे अर्थात तुम कोनो एमन भाव कोनो चिन्ह करबे जाते संगे संगे हमारा सब गुली पहुंचे जाबो आओ के धरबो, संगे संगे कृष्ण ताके ऐसे छेन दधिर दान मांगते लागलें सेठे कुछ तई दान दिबे ना कैसी भी दान नहीं देगी, अंत में लूटना आरंभ किया हाथ से पकड़ना इधर उधर छेड़ छाड़ कहानी आरंभ कर दी, बस उसने सीटी बजा दी कोई इंगित कर दिया इंगित कर दियो और लख लख गोपी यही कुंज थी के वही कुंज थी के यही कुंज थी के एक से उपस्थित सब उपस्थित हो गई गोपियां लाखों लाखी गोपी मधुमंगल अर्जुन लमंग कृष्ण इत्यादि जितने सखा थे उनको लाखों लाखों गोपियों को देख करके डर गए और डर करके भागने की चेष्टा की, सबसे पहले मधुमंगल को पकड़ लिया, मधुमंगल के तरह धर लो पकड़ करके उनके चोटी बांध दिया उसे पेड़ के पेड़ की डाल में चोटी बांध दी और गुलचे ऐसे लगाए देखिए ऐसा गुलचा मारा उनको गाल फुला दिया उनका मधुमंगल का, मधुमंगल रोने लगा और मैं कान पकड़ता हूँ कभी नहीं इस धर्म में आऊंगा झांकूंगा भी नहीं आमी आर एखने आसबो ना आमी शपथ खाच्छी आमी आर आसबो ना। तखन कृष्ण के धरे आज जे जे सखा गुली छिलें तादर के धरे आबा तहार के टिकी बंधे दिलो केव के कुछ ही कर दिलो आ कृष्ण के ताऊ छोड़लो ना, कृष्ण के की करलो कृष्ण के जोर कर दिया लहंगा पोरिए दिलो उनको अपनी लहंगा पहना दिया लहंगा मने घंगरा घंगरा पोरिए दिलो जोर करे दो चार टी गोपी था के धरे तुलो लिलो आ तुले उठा करके और उनके पैर से लेकर के यहाँ तक पहना दिया और एक अपनी चुनरी उनको उड़ा दिया और उनको वैसे ही गोपी जैसा सिंदूर और ये सब कर दिया उनको सखी बना दिया और उनके ऊपर में तार ऊपर थे दधि भंड एक बार रखे दिलो आ ललिता विशाखा ये दिगे दिगे जे और उखने ते ढेल मार और वो फूट गई गगरी और सब ने कृष्ण स्नान कर लिया सब गोपी ताली बजा कर ललिता जी ने कहा
कान पकड़ो जब फिर मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें कान धरो आर आर आसमे ना थो। कृष्ण जी रोने लग गए और पहिया पकड़ ले, अब ऐसा नहीं करेंगे। तो तुम तो कहता था उस गोपी को, कहा कृष्ण ने पहली वाली को। गोपी ने कहा जो भाई जाकर के हम कंस से कह देंगे, आमी कंस के बोला दीबो आ कंस तुम्हारा कैसे दुरुस्त करबे। कृष्ण की बोल रहे, कृष्ण बोले जैसे एटी की तुम्हार खसम न की कंस, खसम माने की तुम्हार भरतार न की। गोपी बोले जैसे आज के तुम्हार भरतार कोई, आज के गोपी ला धर लो जो तुम्हार भरतार एखन को था, एखन तुम तुम्हार भरतार के देखे नहीं है सो। एक रकम होते दान प्रतिदान यही समस्त लीला स्थान गुरी संध्या हो जाए हमारे ओखने जेते हुए रास्ता से आरो सब जगह से बसबो एखने बसले तारा रात हो जाए। যখন এই কুঞ্জের এইরকম স্থিতি তখন 5000 বছর পূর্বে যখন প্রকৃতি নিজে হাতে থেকে লক্ষ্মী দেবী নিজে হাতে থেকে একে শৃঙ্গার করে থাকে সুন্দর করে সমাহার দিয়ে থাকে তখন এই কুঞ্জের স্থিতি কি রকম হবে ভিতরে একেবারে পরিষ্কার রাধা কৃষ্ণ গোপীগণের এই সব কুঞ্জেতে মিলন হতে এর নাম হচ্ছে কুঞ্জ। রাধা কুঞ্জ তট কুঞ্জ তুমিরা গোবর্ধন পর্বত যমুনা তীরা
Foot print and very big size. কম হয়ে গেছে মধ্যে পা রাখলে কত বড় হয়? अरे उनका पाँव में तो ये तो पावले चीज पता कोई मिला है वो नहीं कोई भी नहीं मिला है। देखो देखो ये चरण है भगवान के। भगवान जी बजाई इसको पहाड़ी के लिए ही ना जब घोटू घोटू के दर्शन भगवान का पाँव नहीं है क्योंकि हमारे तुम लोगों को ये हरा नहीं सकेगा। सिद्धार्थ शंकर के आओ पुजारी पिछल विषय ना आसून মাধব ভক্তি জন যতন পালন করি মাধব দিদি ভক্তি জননি যতন পালন করি কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি নন্দগাঁও নিকটে আছে। নন্দগাঁও থেকে গোচারণ করতে করতে নন্দগাঁও সে গোচারণ করতে 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 কৃষ্ণজি সমস্ত সখাও কো লেকর কে ইহা তক পৌঁছে। আর এসি পঞ্চম তান ছেড়ি
मधुर मुरली का तान ऐसे पंचम स्वर से सुन। पंचम स्वर मैंने क्या, कृष्ण का पंचम स्वर तक है और गोपियों का क्या है, सप्तम। पंचम स्वर से कृष्ण ने छोड़ा और ऐसे मूर्छना ताल से छोड़ा, मूर्छना राग। मूर्छना मैंने क्या होता है, ऊपर में चढ़ते चढ़ते और नीचे से धीरे 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 कांपता हुआ आस्वाद में क्या, एकदम पत्थर उसमें पिघल गए, पाथर पर्यंत पिघले गए। और जो जो यहाँ पर था उन सबका चरण चिन्ह भी सुने। 5000 वर्ष के से भी और पुराने ग्रंथ हैं, गर्ग संहिता इत्यादि है, व्यास देव का रचित बड़ा पुराण इत्यादि है, जिसमें से हमारे रूप गोस्वामी जी ने और एक और थे उन्हीं के समसामयिक ब्रज भक्ति विलास उन्होंने लिखा है, उसमें इन सब का सब जहाँ जहाँ ब्रज में जो जो चिन्ह है नारायण भक्त ब्रज विलास लिखा, उसमें जहाँ जहाँ जो जो चिन्ह है और जो जो सरोवर कृष्ण के इस स्मृति में जो जो कुछ मंदिर है जो कुछ उस समय में सब का उन्होंने पुंखानुपुंख रूप में वर्णन किया है। बोले जैसे यहाँ पर हरणिका कैसे आया, कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो हिरण इत्यादि से जो जो पशु पक्षी ये मरुभूमि के बीच में लिए हैं, इसलिए ऊंट भी यहाँ पर होते थे। अभी भी चारों तरफ में देखता है ना, कोसी में इधर में मथुरा में चारों तरफ में ऊंट की गाड़ियां हैं। यहाँ से पासी में और थोड़ा सा इधर में चले जाएंगे और एकदम महाराज जी थोड़े ऊंट रहे ने, पहले बहुत ही ऊंट, हाथियां भी थी, बड़े बड़े राजा राजवाड़ों के हाथियां भी थी। जंगल ये साधारण जंगल नहीं, बड़ा घना घोर जंगल होगा जो पहले महात्मा घोड़ा रखते थे। तो ये घना घोर जंगल इसमें आना सच बात नहीं। अभी देखिए ना, इस समय में भी इतना रास्ता घाट सब होने पर भी इतना आना कष्ट, शहर के लोगों को पता नहीं है ये देहातों में चलने में कैसा कष्ट होता है। रामचंद्र जी को बन जाने में कितना कष्ट हुआ होगा, कोई रास्ता घाट उस समय था, कृष्ण को चारण करने के लिए जाते थे तो गैया कोई अच्छा मार्ग देख करके लोगों से पूछ करके चलती थी, कांटे कुछे बड़े बड़े पत्थर जंगल झाड़ ऐसा। अब ये तो बहुत अब तो बहुत कुछ पट गया है, पट गया है मैंने क्या, मट्टी टट्टी सब चारों तरफ से होकर के सुगम रास्ता सब बन गया है। पहले इतना सुगम ब्रज में रास्ता घूमना नहीं था। हम लोग गुरु जी के साथ में आज से 45 वर्ष पहले बद्रीनाथ केदार में गए थे, उसमें कोई रास्ता नहीं था, कोई बस नहीं जाती थी, प्राण आदमी हथेली पर लेकर के चलता था, प्राण हाथे रूप में नहीं चलते। एक बार एक रास्ता और उखान जी के पाथर गुली पोड़ छे, पत्थर वहां से गिर रहा है, बालू कहीं बालू जैसा, यदि चले जाएं 4-5 माइल 6 माइल नीचे चले जाएंगे एकदम एक कबरे नीचे, माझे माझे एखने से बाँस गुली एक चक्कर यदि एदिगे चले जाए सब लोग कुथाए जी चले जाए, आर तांदर लाश पावा जाए, उनकी लाशें नहीं मिलती हैं अभी भी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। ए रकम होते ये सब गुली दुर्गम पथ काल में कृष्णचंद्र यही सब लीला करे, कृष्ण के पावा सहज न पथघाट हमारा ना है सरल सहज कर दीब, मन पथ हमारा की रकम होते कर दीब उबड़ खाबड़ जी मन मन टा की रकम करा जाबे, मन पथटा ठीक कर दीते पारो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, ओखाते रास्ता कण तक आकिरण मन की रकम विषय चिंता कत रकम चिंता सब गुली निजे प्रतिष्ठा सब चिंता ओथिके आरो हमारे भोगेर लालसा সুখের লালসা কামনা এইসব গুলি ভর্তি রয়েছে ওর, ওইগুলিকে পার পাওয়া সহজ না, এইগুলিকে আমরা পার করে যাব, ওইগুলি পার করা সহজ, এই জন্য এইসব গুলি খুব কষ্টকর কিরণ, তথাপি বৈষ্ণবরা সব নিয়ে আসে। আপনাদেরকে নিয়ে এসে মনে মনে একটু কষ্ট হচ্ছে যে কেউ কেউ পায়ে চলে না রে বেটিরা সব, তোমাদের হাতে চলে না, মহিলা হ্যাঁ যে তারা হেঁটে চলে না,
আর তাদেরকে কত কষ্ট করে, কেউ পড়ছে কেউ গিরছে কেউ। কৃষ্ণ আপ লোক মে কৃপা করেন, রাধাজি আপ লোক সব দে করকে কহিন এস পর কৃপা করি চাই। এসা নই হোনে সে হৃদয় মে দীনতা নই আতি। যদি কৃষ্ণ কিছু পর কৃপা করতে হ্যাঁ উসে বিপত্তি মে ফেঁক দেঙ্গে, কষ্ট মে লগা দেঙ্গে আর হৃদয় সে হা নিকালেঙ্গে, আর হা নিকাল সুনতে হি বস কৃষ্ণ দুঃখে দৌড়ে বিপত্তি মে গিরা দেঙ্গে, আর এসা করেন জিস আর কই হামারা সহারা নই উস সময় মে, বস আঁখ বন্ধ করকে উন্হীঁ কে চরণ মে জব চলে যায় ঝট লো কৃপা। ইসলিয়ে এসে এসে দুর্গম স্থলো মে উনহোনে সব বিদায় কি। পাশি মে হাম লোগো নে দেখা ওই পর এক সরোবর হ্যা, উসকো পার করতে হাম লোগ আয়ে হ্যাঁ, উসকো কহতে হ্যাঁ ক্ষীর সাগর। উসময় ইহা কা পানি বড়া সুন্দর আর ক্ষীর কে সমান থা, আব ও ধীরে ধীরে একদম নমক বন গয়া। ইয়ে কলিকাল হ্যায় নমক বন গয়া। ইসমে শেরশাহি বিষ্ণু থে, পাশি মে শেরশাহি হ্যাঁ। গোপীয় নে কহা জেসে আপ ভগবান হ্যাঁ তো শেরশাহি কা রূপ দেখলাইয়ে, বস সতী সাথ মে সুবল শ্রী রাম কো বনা লিয়া শেষনাগ, কি বলদেব প্রভু জি বন গয়ে শেষনাগ, আর উস পর কৃষ্ণ জি সো গয়ে। শেষ সাই কাশী দর্শন পাশে মে ইয়া পাঁচ সাত মিনিট।